हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री माधव महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंड प्रति आपन करता हूँ। तत्पश्चात ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्तिदानंद श्री सिद्धर महाराज जी के चरणों में दंड प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। महाराज जी का आदेश है भागवतम के महात्म के विषय बोलने के लिए, तो भागवतम इसमें चार अक्षर भागवत भागवत भाति सर्वेश लोकेश तो सब जगह व्याप्त है। अगर मतलब गीयते तत्र नारद भी, इसका गायन कौन करते हैं बोले नारद आदि ऋषि, नारद जी व्यास वेद व्यास सुखदेव गोस्वामी और हमारे गोस्वामी वर्ग गुरु वर्ग। देखो गाने वाले कौन है बोले कोई भी साधारण, इसमें से कोई भी साधारण नहीं है, सब बड़े बड़े एक से बड़े बड़े त्यागी वैरागी है, सब कुछ इनके अंदर भरा पड़ा हो। इसके अंदर कौन गाते हैं नारद आदि भी वरिष्ठ सर्व शास्त्र, और जो सभी शास्त्रों में क्या है वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ। अत्ता मतलब तरणी च भावर्ण, मतलब संसार से क्या करती है भागवत सबको तार देती है। इसमें महात्म्य भी इतने सारे महिमा है कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत श्रवण करने जा ही रहे थे, इतने में सारे देवता क्या किए 33 करोड़ देवता मिल करके अमृत कलश लेकर के आ गए, बोले महाराज ये कलश जो है महाराज परीक्षित को दे दीजिए पिला दीजिए, और तो क्या करेगा तो सर्प जब दंशन करेगा तो उनका विष काम नहीं करेगा। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, बोले को कान सुखो मणि महान, बोले भैया कहाँ कहाँ चलता मणि, ये संसार जो स्वर्ग का अमृत है इसको क्या बताया, बोले इसकी कैसे वर्णन किया, बोले कांच के समान में टूटा फूटा जैसे कांच हो, कोई हमें दे और हमारी मणि मांगे तो हम दे देंगे, हम कभी नहीं दे सकते। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कोई साधारण भागवत नहीं है, जिसके लिए देवता भी क्या करते हैं स्वर्ग से कहां पर आते हैं इस धराधाम में आते हैं। स्वर्ग से तो देवता देवता ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी जब महाराज परीक्षित अपने विमान में बैठ करके धाम को जा रहे थे तो रास्ते में जब जय जयकार हो रही थी बोले श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जब जय जयकार सुन रहे थे तो ब्रह्मा जी भी हिल गए, बोले भैया ये कहां से इतनी ज्यादा शोर शराबा आ रहा है, वो भी अपने घर से झांक के देखे बोले परीक्षित महाराज जा रहे हैं अपने धाम को, बोले ये कैसे चले गए, बोले खाली भागवत सुनने से चले जाएंगे, बोले उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया भागवतम सारे जो कर्म थे ज्ञान योग सबको तराजू में रखा एक साइड और भागवतम को एक तरफ रखा, जब तौले तब क्या देखा भैया भागवतम का जो पल्ला नीचे के नीचे है और ज्ञान योग का सबका पल्ला ऊपर चला गया, धुंधकारी जैसे व्यक्ति का कल्याण हो गया। जिसके लिए बताते हैं कि उन्होंने खुद बोला बोले भैया किसे गोकर्ण जी से बोले भैया आप ना गया में जाकर ना 1000 बार पिंडदान कर दो फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ, बोले क्यों, बोले मुझसे बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जितना उल्टे सीधे काम न किए, मैंने अपनी माँ को भी मारा पिता को भी मारा पड़ोसियों को सताया लोगों को ईंट पत्थर फेंक के मार देता था, इतना बड़ा धुंधकारी होने पर जो वो भी नहीं कैसे हुआ, वो भी भागवत सारी श्रवण मात्र से कर गया, इतनी महिमा जो है श्रीमद् भागवतम की। क्योंकि इस भागवतम को कहने वाले कौन बोले नारद जी श्रवण करता और बोलने वाले वो चतुर संत, ये कोई साधारण नहीं नारद जी, नारद जी सर्वत्र जो है भागवतम का ही महिमा गान करते हैं, बोले नारद मुनि बजाए बीरा राधिका राम इसके लिए कहते हैं कि स्वर्ग तो स्वर्ग और ब्रह्मलोक तो ब्रह्मलोक, वैकुंठ से भी कौन गरुण जी भी नीचे आकर के काक सुंद के पास आकर के श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं। कहते गए स्वर्ग में भी नहीं है और ये ब्रह्मलोक में भी नहीं है
यहाँ तक कि वैकुंठ में भी इसकी जो है महिमा भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जो सौभाग्य कहाँ हमारे श्रद्धा में होता है, इसलिए हम बहुत बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवतम श्रवण कर पा रहे हैं। और खास करके हम वृंदावन धाम में हैं, इस धाम की महिमा कितनी है कि इसके लिए लोग तरसते ही हैं। आप जाते होंगे सब जगह बार बार ये वृंदावन धाम की महिमा कितनी है, जिसके लिए बड़े बड़े देखो जब भक्ति महारानी यहाँ पर जब आई अपने दोनों पुत्रों के साथ सब जगह घूमे, उत्पन्न द्रविड़े सहा, कहाँ द्रविड़ उत्पन्न हुई, द्रविड़ में, द्रविड़ देश में क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि जहाँ पर भक्ति अर्थात जहाँ पर श्रवण कीर्तन होता है उनकी हृदय में भक्ति क्या होती है, उत्पन्न होती है। और जब कहते हैं कश्चित कश्चित महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र में आई तो थोड़ा थोड़ा मैं जवान थी, लेकिन जवान कैसे रही, जब वो क्या करती, जब हरि कथा कानों के महाराष्ट्र कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाती है तो भक्ति हमारे कैसे बढ़ती है। और कहती गुजरात, जब मैं गुजरात में ही बूढ़ी हो गई, ये गुजरात की बड़ी महिमा है। गुजरात मतलब होता है कि जिसका दिन और रात बिना हरि कथा के गुजर रहा होता है बोले तो उसके हृदय में जो भक्ति है ना वो पूरी हो जाती है। इसीलिए गुजरात में जाकर के वहां कोई उस टाइम भक्ति वक्ति नहीं होती थी, वहां जाकर के भक्त लोग या भक्ति वहां बूढ़ी हो गई, क्यों हुई, क्योंकि वहां पर हरि कथा नहीं होती थी। इसीलिए जब साधक हरि कथा नहीं करते, ना श्रवण करते हैं, ना नाम करते हैं, तो भक्ति बनाए देखना वहां शुद्ध अवस्था में हो जाती है। और कभी वृंदावन जब मैं आई तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन जो मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए, जर्जर अवस्था प्राप्त हो। यहाँ पर यह भी दिखा रहे थे भागवतों की महिमा की, नारद जी आए कहते हैं भावो साधो क्षण तिष्ठा मत चित्ता विनाश है, कि जब नारद जी यहाँ पर आए तो भक्ति महान को पहचान नहीं, ये तो साधु जा रहे हैं। बोले भावो साधो क्षण तिष्ठा मत चित्ता पी, बोले महाराज आप तो साधु हैं। कहते साधु कैसे होते हैं, बोले साधु का हृदय होता है ना सबका दुख दूर कर देते वैष्णव का। बोले भक्ति महारानी जब देखा बोले तो साधु जा रहे हैं, वो तुरंत हाथ जोड़ के बोले बोले मेरी भी मत चित्ता भी, मतलब मेरी भी जो है मेरा दुख दूर कर दी। तब उन्होंने पूछा परिचय पूछा कि आप हैं कौन, उन्होंने परिचय दिया, बोले भक्ति महारानी, बोले ये कौन कौन, बोले ज्ञान और वैराग्य है। देखो वहां पर भी नारद जी ने ये महिमा दिखाया, उन्हें बहुत सारे मंत्र उसके कान में घूमे, वेद वेदांत सुनाया, गीता उपनिषद सुनाया, लेकिन महाराज कुछ भी नहीं हुआ, गिले टूले बस और फिर मुझे आगे तो। इसीलिए जब वो भागते भागते कहाँ गए, चतुर संघ के पास गए और चतुर संघ ने उनको इसका उपाय भी बताया। इसीलिए ये भक्ति देखो, ये श्रीमद् भागवतम की महिमा इतनी दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है कर्म ज्ञान योग का आश्रय लेकर सोचा कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये सामान्य कोई कॉपी किताब नहीं है, ये बहुत बड़ा शास्त्र है जिससे हमें हमारा कल्याण कर देती है। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमें ये भागवतम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे यही कहें कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मंसा कंतर सिंधु ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यदयाल प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव शि गौर भक्तवृंद। एक बार सब लोग हाथ उठा के मेरे साथ बोले, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र भक्तिवेदांत गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्मा सुपार्षद सुपरिवार गौर नित्यानंद प्रभु युवक किशोर जी राधा जी से सुपार्षद सुपरिवार से जगत गुरु प्रभुपाद उपस्थित पूज्यपाद साधु महाराज समय समस्त भक्तवृंद वैष्णववृंद वैष्णववृंद समस्त चरणों में अधम का यथा जगत स्वीकार। गुरुदेव के आदेश है कि श्री काली रमन लीला कथा को हम श्रवण करेंगे। कृष्ण कृष्ण के जब भी कुछ विशेष इच्छा होता है
तो भगवान उसे किसी न किसी कौशल से वस्तु उसको क्या करते हैं, पूर्ण कर देते हैं, अथवा ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, नहीं तो अपने योग माया देवियों के द्वारा, योग माया देवियों के द्वारा ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं कि वो कृष्ण की जो इच्छा है वो इच्छा लीला माध्यम से पूर्ण हो जाता है। ये काल्य हृदय था जहाँ पे काल्य नाग रहा करता था। बोले कि यमुना हम एक प्रतिम व्याप्ति था, यमुना जी के ही एक जोजन व्याप्त, एक यमुना जी के एक अलग से एक लहर में एक रथ जैसा था, उसी रथ में ये काल्य रहा करता था। और काल्य का इतना भयंकर जहरीला विष था कि अग्नि समान विष मतलब जहाँ के जिस रथ में काल्य रहता था उसी रथ के चारों तरफ जितने भी वृक्ष था सारे वृक्ष सब उस विष के प्रभाव से मूर्छित हो जाते थे, मर जाते थे, जल जाते थे। और यहाँ तक कि ऊपर मार्ग कोई अगर पशु अगर उस रथ के किनारे आए तो वो भी जल पीने से पहले ही उसका क्या होता था, विष के प्रभाव से मूर्छित हो जाता था। और ऊपर मार्ग से कोई अगर पक्षी जाए तब भी वो क्या होता था, मूर्छित होकर वहीं गिर जाता था। इस प्रकार ये काव्य ये वृंदावन में था। अब भगवान वृंदावन में मधुर मधुर लीला करेंगे, श्रीधाम मधुमंगल आदि सखाओं के साथ, और सुंदर सुंदर लीला करते हुए अगर किसी कारणवश काल्य हृदय में पहुंच गए और हृदय में जाके देखेंगे तो वहां पर अगर जहर पान कर लिया कोई, और लीला करते करते और गए बछड़े अगर जहर पान कर लिया तो भगवान का लीला पुष्टि नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान ने चिंता किया कि पहले इस काल्य को वृंदावन से भगाना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी ने मया को बोला, बोले मया काव हो बताए, काव है ताऊ बाबा ने गधे मार दिया। तो सब लोग तो खिलकारी हो करके हंसने लगे। अब दाऊ दया को बड़ा गुस्सा आया, दो हाथ कमर पे लटका करके ठाकुर जी की तरफ गुस्से में लाल होके देख रहे। तो इतने में यशोमती मैया बोला, काले बलुआ तुम्हें कोई मारने का चीज नहीं मिला क्या, ब्रज में के गधे मारते फेरते रहे हो। तो सब लोग तो हंसने लगे, इतने दाऊ भैया गुस्सा हो गए। तो दाऊ भैया गुस्सा को बोले, मैया मैं इनके साथ तो नहीं जाऊंगा। तो यशोमती मैया रोहिणी मैया दाऊ भैया के गुस्सा को देखते हुए बोल रहे हैं कि देखो कल तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, इसीलिए तुम्हें जन्म नक्षत्र में कहीं नहीं भेजूंगा, तुम तो घर में ही रुक के क्या करो, कल तुम विशेष रूप में घर में रह के तुम सुंदर सुंदर पकवान खाओ, सुंदर सुंदर व्यंजन खाओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनो और घर में ही रुको। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण साल में 13 दिन और श्री बलदेव प्रभु साल में 13 दिन गोचरण करने के लिए नहीं जाते। तो इसके 13 दिन कौन कौन सा दिन, तो बता रहे अपने अपने जन्म नक्षत्र में नहीं जाते, और जो मूल कृष्ण के जन्म नक्षत्र में दोनों भाई नहीं जाते, और बलदेव प्रभु के जन्म नक्षत्र में यहाँ पर भी दोनों भाई नहीं जाते। तो इसी प्रकार साल में 13 दिन कृष्ण भी गोचरण करने के लिए नहीं जाते और बलदेव प्रभु भी गोचरण करने के लिए नहीं जाते। तो बलदेव प्रभु का जन्म नक्षत्र था, तो यहाँ पे कृष्ण का इच्छा हुआ कि मैं बलदेव प्रभु को लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि बलदेव प्रभु बड़े हैं और बलदेव प्रभु के बिना अगर जाएंगे काल्य हृदय में तो उससे पहले बलदेव प्रभु दाऊ भैया मना कर देंगे, और भैया की मर्यादा को पालन करते हुए, महिमा को पालन करते हुए वहां पे कृष्ण रुक जाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे मजाक कर रहे हैं कि ये तो हंसी मजाक करते हुए बलदेव प्रभु जिसे तिसे रोक दिया। अब दूसरे दिन कृष्ण अकेले ही अपने सखाओं के साथ गोचरण करने के लिए जाते हैं। अब कृष्ण का इच्छा था कि काव्य को हटाएंगे, बलदेव प्रभु घर है, कोई मना करने वाला है नहीं, सारे सखा लोग कृष्ण के वश में हैं। कृष्ण सारे सखाओं को लेके उसी सीधा काली हृदय पे कालंदी हृदय पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हृदय पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे ठाकुर जी सुंदर विशेष करके वहां पे सखाओं के साथ खेल कूद करते हुए कुछ बछड़े वहां पे जाके जल पान करते हैं। जैसे ही जलपान करते हैं तो उस बछड़े मूर्छित हो जाते हैं, यद्यपि ये नित्य परिकर है फिर भी लीला दृष्टि के लिए यहाँ पे मूर्छित हो गए। फिर भगवान ने अपने अमृतमय हस्त के द्वारा, अमृतमय दृष्टि के द्वारा उन सबको पुनः जीवित करते हैं, और भगवान फिर वहाँ पे एक पेड़ बस बचा हुआ था वह आज भी हम दर्शन करते हैं यहाँ पे, वह कदम का एक पेड़ बचा हुआ है। सारे प्रश्न उठता है कि सारे जितने भी रथ के आसपास में जितने भी पेड़ है वो तो सब के सब जल करके विष के प्रभाव से भस्म हो जाते थे, लेकिन भैया ये एक पेड़ क्यों बचा हुआ था। तो बता रहे हैं गरुड़ जी जिस समय अपनी माता के उद्धार के लिए स्वर्ग से अमृत लेके आ रहे थे
इन्होंने चार जगह पे थोड़े थोड़े देर विश्राम किया था और उसी पेड़ में भी विश्राम किया था, इसीलिए वो पेड़ अमृतमय युक्त हुआ है, इसलिए वो पेड़ आज भी हम दर्शन करते हैं कालीगांव में। तो भगवान ने उसी पेड़ के ऊपर उठ गए, तो सब प्रजवासी वहां पे भगवान को बोलने लगे, अरे कन्हैया। जैसे ही वहां पे चढ़े और चढ़ के अपने कमर में पीताम्बरी को लपटा हुए ठाकुर जी तुरंत काली हृदय में कूद जाते हैं और धड़ाम करके शब्द होता है और नीचे अंदर तक चले जाते हैं। जैसे ही कृष्ण काली हृदय में यहाँ पे कूद गए तो बता रहे हैं ब्रज में विभिन्न प्रकार अपशगुन दिखाने शुरू हो गया, देखने शुरू हो गए और जितने भी सखा थे वो तो भाव में प्रेम में विभोर हो रहे और पूरा ब्रज में हल्ला हो गया कि कृष्ण काले थे रथ में कूद गया। और सबको ब्रज में बताया कि वहाँ जहरीला पानी होता है, तो ब्रज में नंद बाबा यशोमती मैया तो रोते रोते वहां से भाग भाग के आ रहे हैं। और इतने में कृष्ण जैसे ही रथ में जाते हैं वहां पे नागपत्नी देखते हैं, तो नागपत्नी को ठाकुर जी ने बोलते हैं, नागपत्नी देखे तो पहले तो आश्चर्य होते हैं कि इतना सुंदर लड़का पहले तो यहाँ कैसे कैसे कभी अभी तक मरा क्यों नहीं, इस व्रत के इतना जहरीला विष को ये कैसे सहन कर पा रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है। इतने में नागपत्नियां बोलने की, अरे तुम तो बड़े कोमल हो बड़े सुकोमल हो, लेकिन भगवान ने तुम्हारे ऊपर शायद कुछ विशेष गुण दिया है, इसलिए तुम क्या करो, तुम अभी तक मरे नहीं, तुम हे सुंदर मुखी हे बालक तुम यहाँ से जल्दी करके भाग जाओ, हमारे पति अगर जग जाएंगे ना तो निश्चित रूप में तुम्हारा यार मृत्यु का कारण ही होगा। तो ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति को देखने के लिए ही आया, जल्दी जगाओ उनको। इतने कहकर काल्य ने तुरंत सब कुछ सुन लिया और भयंकर शब्द करते हुए वहां से गर्जन करते हुए आया और अपने सारे जितने भी अपने बल को बढ़ाते हुए ठाकुर जी के शरीर में अपने पूंछ को लपेट दिया पहले। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पहले तुम्हें मारने का अवसर देता हूँ, पहले तुम्हें मारने के अवसर देता हूँ। क्यों? तो विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं काले को पहले मारने का क्यों अवसर दिया। तो यहाँ पे बाद में काले अगर भगवत भक्ति प्राप्त करेगा, भगवान के चरण धूलि प्राप्त करेगा और बोलेगा कि प्रभु मैं तो अकेले चुपचाप था और बीज कौन दिया, आपने ही दिया, और आप ही अभी मुझे मेरे घर में आके मुझे घुस के मार रहे हो, तो इसीलिए तुम पहले मुझे बाहर करो, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर करूंगा, न्याय होगा। तो इसके पश्चात ठाकुर जी ने ठाकुर जी को शरीर में पूरा लपेट गया और लपेट करके ठाकुर जी को मारना शुरू कर दिया, लेकिन जितने भी करल छोड़ता है जितने भी भयंकर विष छोड़ता है ठाकुर जी के शरीर में कुछ भी नहीं होता। तो यह शिक्षा देने वाली बात है, ठाकुर जी का जो स्वरूप क्या है, हम अभी दामोदर अष्टकम में बात करते ना कि नमामि स्वरूप सच्चिदानंद रूप, हमारे जैसे जड़ शरीर नहीं है, ठाकुर जी का शरीर सच्चिद आनंद रूप है। तो बता रहे हैं कि उनके शरीर में इस प्रकार का जागतिक जगत का कोई भी से कोई कुछ भी उनके शरीर में कोई असर करेगा ही नहीं, इसीलिए ठाकुर जी को मारते जा रहा है और ठाकुर जी के शरीर में कोई विष का प्रभाव भी नहीं। सारे नागपत्नी देख देख के आश्चर्यित हो रहे हैं, जितने भी नागपत्नी गण थे। और इतने में ठाकुर जी ने एक छलांग लगाया और सीधा काल्य के ऊपर युद्ध करते हुए काल्य के महाराज की जय, काल्य के सर के ऊपर चढ़ गए। काल्य के सर के ऊपर चढ़ते हुए भयंकर रूप में वहां पे मर्दन करना शुरू किया ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी जैसे ही वहां पे नृत्य करते हैं तो बिना संगीत का नृत्य कैसे होगा, तो वहां पे नारद बिना बजाने लगते हैं और जितने भी भगवत पार्षद वहां पे स्तुति आदि करने लगते हैं और स्वर्ग के गंधर्व और स्वर्ग के देवता सब पुष्प वृष्टि करके जय जय कार देते हैं, बोल काली भगवान की जय। और हमारे बल्लाचार्य बड़े सुंदर सूरदास जी बड़े सुंदर कीर्तन लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 वन 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 we
देखता हूँ, उनके नृत्य को देख के तो पूरा का पूरा जैसे आश्चर्य होके मुर्शीद हो रहे। और भगवान शिव जी, शिव जी के लिए क्या बोला गया है, शिव जी नटेशु बरहर नटवर, जो नृत्य कला में जो बर है जो श्रेष्ठ है। शिव जी भी आज लज्जित हो रहे हैं। क्यों लज्जित हो रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं, प्रभु मैं जिस जगह पे नृत्य करता हूँ, एक नृत्यकार को किस जगह पे नृत्य, एक डांसर है वो डांसर कहाँ पे नृत्य करेगा? मान लो एक स्टेज है, वो पूरा समान पूरा प्लेन स्टेज में वो क्या करेगा, नृत्य करेगा, वो पूरा प्लेन स्टेज में नृत्य करेगा। अगर कितने बड़े नृत्यकार हो, एक तरफ नाचना शुरू करे और दूसरी तरफ स्टेज एक हिलने डोलने लगे, तो कितने बड़े नृत्यकार हो वो वहाँ पे नाच नहीं सकता। शिव जी बोलते हैं, प्रभु मैं जहाँ पे नृत्य करता हूँ तो कैलाश है, पूरा प्लेन देगा ये, लेकिन प्रभु आपके जो स्टेज है ना वो तो हिलने डुलने वाला स्टेज है। आप हिलने डुलने वाला स्टेज में नृत्य करते हो, तो बता रहे हैं कि जगत में बड़े बड़े नृत्यकार है, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करते हैं, कोई बड़े सुंदर सुंदर कला धारण करते हैं, पिरामिड आदि करके नृत्य करते हैं, लेकिन जगत में ऐसा कौन है जो सांप के ऊपर चढ़ के नृत्य करे? प्रभु आप तो नटेशु बरहर, आप नटवरों में श्रेष्ठ निकले आज। तो इस प्रकार ठाकुर जी नृत्य करने लगे, और जैसे ही नृत्य करने लगे धीरे 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 काले का जितना भी तमोगुण रूपी विष था वो धीरे धीरे उसके मुख से निकलने लगा। रुधिरास नाम मया काल्या, बता रहे उसके मुख से पूरा गरल के साथ रक्त भी निकलने लगा। अब इतने में ये नाग पत्नी दूर से देख के खड़े होके सब लीला देख रहे थे। तो नाग पत्नी तो पहले सोच रहे थे कि अच्छा हुआ राजा भक्त भगवान की। नाग पत्नी दूर से देख के सोच रहे थे कि अच्छी बात हुआ, क्यों जिसके पति भजन करता नहीं और करने भी नहीं देता, इससे अच्छा तो ये मर जाए और हम क्या करें बड़े सुंदर रूप में भजन कर। लेकिन जैसे ही भगवान ने नाचते नाचते काले का सारे पीस निकल गया, सारे तमोगुण निकल गया और रुधिराक्षक्त हो गया, उसी समय काले ने भगवान को मन ही मन शरण में आ गया। अब नाग पत्नी का विचार तुरंत चेंज हो जाता है। नाग पत्नी सोच रहे हैं, हाय हाय हम तो सोच रहे थे कि हमारे पति भजन करने नहीं देते, ये तो खुद भगवान की तरफ जा रहा है, भगवान के शरणापन्न हो रहा है, अगर इस समय अगर ये मर जाए तो शास्त्र में दो प्रकार का बात है, एक क्या ना हम बड़े सुंदर हैं और सुंदर ऊपर सबके नजर आता है, और हमारे अगर पुरुष नहीं रहेंगे तो हम पूरा का पूरा बेघर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने नाग पत्नी ने भगवान का स्तुति करते हैं कि हे भगवान का स्तुति करते हुए बोलते हैं कि प्रभु ये काले ने ऐसा कौन सा कृपा किया, काले के ऊपर आपने इस प्रकार का कृपा किया, काले ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया, कौन सा सत्फल किया, जद बांछा या श्री ललना, कि आपके जो चरण धूलि के लिए जद बांछा श्री यानी लक्ष्मी जी क्या करते हैं, अभी भी बैलवन में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये काले ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसके ऊपर आप अनायास में ही कृपा कर दिए। और बता रहे हैं कि जो बलि महाराज जी को आपने तो कृपा तो किया, लेकिन बलि महाराज जी ने दान दिया, आपने उनको एक चरण दिया, और शिव जी ने बोले प्रभु चरण, शिव जी आपके चरण का ध्यान करते हैं, शिव जी ने आपके चरण को ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते भी फिर भी आपको चरण प्राप्त नहीं कर पाए, शिव जी क्या आपके चरणामृत को प्राप्त किया, गंगा जी को जटा में धारण करके रखते हैं। पता नहीं काले ने कौन सा ऐसे पुण्य किया, नाग पत्नी कह रहे बलि महाराज जी ने दान किया था उनको तो एक चरण दिया, शिव जी ने ध्यान किया उनको तो चरणामृत दे दिया, लेकिन इसने ना दान किया ना ध्यान किया, और वो भी जबरदस्ती दो चरण पूरा का पूरा चरण धूलि दे रहे हो। ब्रह्मा का जो ब्रह्मा शिव जी वरुण इंद्र के द्वारा भी जो बांछा वो जो मिलने पर भी अति दुर्लभ वस्तु है, प्रभु आप उसको कृपा करके दे रहे हो। तब इस प्रकार का भयंकर बड़े सुंदर रूप में वहां पे स्तुति करते हैं और अनुग्रहामि कृपायां त्वं कालेन इति, कि हे प्रभु आपके काले के प्रति जो क्रोध है ना, ये क्रोध भी हमारे ऊपर अनुग्रह है। भगवान बोले क्या मेरा क्रोध अनुग्रह है, मार मार के तुम्हारे पति का बेहाल कर दिया, तुम बोल रहे हो मैं अनुग्रह करता हूँ? तो काले बोले प्रभु आपके चरण धूलि पाके ये तो धन्य धन्य ऐसे भी हो गया है, इसका जीवन धन्य हो गया है। अब इतने में काले भगवान की शरणापन्न होता है और भगवान के चरण में काले भी स्तुति करते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काले का भी थोड़ा थोड़ा स्वीकृति था, किस प्रकार ना ये नाग पत्नी ये भक्त थी और ये भक्त के संग में रहते रहते एक दिन इनको काले को भी क्या हुआ,
ना उसका भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत हुआ और उसके एक दिन भगवान दर्शन हुए। तो यहाँ पे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह पे साधु संत का महिमा भी बता रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि काल्य को भगवान ने आदेश दिया कि यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीप। अभी भी काल्य फिजी में विदेश में है, भगवान ने वहां पे आदेश दिया। तो काल्य बोलते हैं प्रभु गरुड़ जी के ऊपर, गरुड़ जी मुझे वहां नहीं रखेगा। ये बड़ा प्रसंग है कि इस प्रकार गरुड़ जी और सर्प जाति में विशेष करके वहां पे शत्रुता है। तो बता रहे हैं कि गरुड़ जी काल्य को मार देते थे, लेकिन ये काले थे हृदय में गरुड़ जी नहीं आते हैं। किसी समय ये गरुड़ जी काले थे हृदय में आए, सोहरे ऋषि वहां पे तप ध्यान कर रहे थे और उसी समय पे स्नान करते समय पे गरुड़ जी ने एक मछली को उठा के खा लिया था और सारे मछली वहां पे शरणपन्न हो गए सोहरे ऋषि के। तो गरुड़ जी को वहां पे सोहरे ऋषि ने श्राप दे दिया कि यहाँ पे अगर आप आओगे तो जल के भस्म हो जाओ। तो गरुड़ जी जानते थे और काल्य भी इस बात को जानता था कि यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं, इसीलिए काल्य इस हृदय में रहता था। और काल्य पूछ रहे प्रभु मैं अब कहाँ जाऊँ। बोले देखो तुम मेरे चरण धूली जो तुम्हारे सर पे मैंने अपने चरण चिन्ह रखा है इसको तुम गरुड़ जी जैसे ही आए ना उनको दिखा देना और तुम्हें मारेगा क्या, तुम्हारे चरणों में गिर के तुम्हें प्रणाम करते हुए तुम्हें स्वागत करेगा। इतने में तो काल्य वहां से उठ के चले जाते हैं, काल्य वहां से रमणक द्वीप चले जाते हैं और भगवान ने अपने अमृतमय दृष्टा अपने अमृतमय दृष्टि से क्या करते हैं पूरा काल्य के हृदय को पूरा अमृत जल कर देते हैं। और इतने में भगवान बाहर आते हैं। जैसे ही भगवान बाहर आते हैं ब्रज में ठाकुर जी दो विशेष लीला किया। ठाकुर जी सोच रहे हैं मैं कुछ भी करता हूँ ये ब्रजवासी मुझे भगवान मानते कि नहीं, मैं कुछ भी करता हूँ मुझे भगवान मानते चाहे कि पता नहीं कहाँ दूर जाके गिरा और पता नहीं किससे मर गया। दूसरे दिन तो सगट टूट गया और तीसरे दिन तो हवा में उड़ गया लाला। तो ऐसे प्रकार ब्रज में जितने भी लीला करते हैं कोई भगवान भगवान नहीं मानते। ठाकुर जी सोच रहे हैं मैं अभी ब्रज गोपियों के साथ कुछ दिन में राज करूंगा, ये बिना हीरो अगर हीरोगिरी नहीं दिखाऊंगा तो वो लोग मुझे मेरे साथ राज नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी दो लीला किया, काले के सर पे ऊपर नृत्य किया और गिरिराज धारण लीला किया ताकि ब्रजवासी को थोड़ा बहुत पता चले। फिर भी इतना माधुर्यमय ब्रज में इतना मधुरता है कि यहाँ पे सारे ऐश्वर्य पूरा का पूरा ढक जाता है, सारे ऐश्वर्य पूरा का पूरा ढक जाते। कृष्ण बोलते हैं देखो काले के ऊपर नृत्य किया। तो यशोमती मैया बोलते हैं कान पकड़ के कि अभी तुम्हें दिखाता हूँ तुम काले के ऊपर कैसे नृत्य किया, पहले घर चलो। तुम्हें किसने बोला था, खुद गए। एक गोपी बोलता है ये तो हाय हाय हमारे कृष्ण श्याम सुंदर इतने सुंदर है, काले में जैसे ही कूदे ना काले को दया आ गया। तो एक गोपी बोल रहा है कि नहीं नहीं दया तो आया आया सही बात है, लेकिन जैसे दया आया ना एक काल्य सोचा मैं क्या करूं उसको थोड़ा कंधे पे बिठा लूं। तो काल्य ने कृपा करके तुम्हें कंधे पे बिठा दिया। तो कृष्ण बोलते अरे सब चीज मैंने किया अभी मान ले रहे हो तुम लोग भाई। तब इतने में कृष्ण बोलते हैं देखो मैं नृत्य कर रहा था ना तुम सब लोग देखे। तो ब्रज गोपी बोलते तुमने कोई नृत्य वृत्य नहीं किया, सहस्र प्रणाम काल्य का सहस्र क्षण है। और जैसे ही वो अपने फण को हिला डुला रहा था ना लग रहा था तुम नाच रहे हो, तुम कहां नाच सकते हो। तो इस प्रकार का कृष्ण जितने भी ब्रज में लीला करते हैं सब पूर्ण रूप में ऐश्वर्य दिखाते हैं, फिर भी ब्रजवासी कभी भी इस ऐश्वर्य को मानते नहीं। इस प्रकार ये काल्य दलन लीला का कथा है और भगवान ने यहीं पर ही काल्य दलन लीला किया था। बोल काली द भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वांछा कृष्ण कौशन कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षोरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो देवं करुणानिदानं कमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्म प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं
द्वैपायन विरह कातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया दर्भोभिनेतुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमायन तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद यशोधर सतत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत साधु महाराज अन्य अन्य धृदन्य पादगण समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाशुद्ध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजा उन्होंने प्रारंभ करवाया। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्होंने इंद्र पूजा को क्यों बंद करवाया और उन्होंने ये गिरिराज पूजा को प्रारंभ क्यों की, इसके पीछे उन्होंने चार कारण बताए। पहला कारण बताए एक कृष्ण को छोड़ करके और किसको भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंद्र स्वर्ग का राजा है। लेकिन जो स्वर्ग का राजा इंद्र का भी उन्होंने पूजा बंद करवा दिया, बोले पूजा करना तो किसकी पूजा करो, बोले ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बोले गिरिराज गोवर्धन कौन है कि ये अभिन्न श्री कृष्ण है, क्योंकि जगत में 33 करोड़ देवता, बताओ कितनों को मनवाओगे। दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करो, महीना में 30 करोड़ हो रहा है, 3 करोड़ फिर भी बाकी रह गए, तभी कितने देवता को पूजा करो, कितने को खुश कर दे। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए एक कृष्ण उपासना करने से, जैसे कृष्ण महाभारत युद्ध में उन्होंने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दर्शन कराया, बोले हे अर्जुन देख मैं कौन हूँ, कहते मत कह पर तरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं है। जब कृष्ण का अंदर में ब्रह्मा जी शंकर जी दुर्गा है गणेश है, जब हमने कृष्ण पूजा कर ली तब सबका सब पूजा हो ही गया, फिर अलग क्यों इधर उधर कट गए, कहते पहला कारण है। दूसरा कारण बताए ये इंद्र का अभिमान था। क्या अभिमान था, मैं बारिश करता हूँ तभी घास उठता है, गैया घास खाने पर दूध देते हैं और ब्रजवासियों का मूल खाद्य दूध दही मक्खन यही ब्रजवासियों का मूल खाद्य है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा, सबके सब ब्रजवासी खत्म हो जाएंगे। कृष्ण बोले क्या तू बारिश करता है तो ब्रजवासी बचते हैं, जानता हूँ ये ब्रजवासी है कौन, ये ब्रजवासी साधारण नहीं, इनकी चरण की एक धूल में इतने शक्ति है, ऐसे कितने तुम्हारे इंद्र को प्रकट कर देंगे ब्रजवासी हैं। कल सुन रहे थे ना, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए
चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं वृंदावन का जो धूल नहीं, ये सब के सब चिंतामणि, जो मांगो वही देने वाले सारे वृक्ष कल्प वृक्ष। बोले त्वयम मृतम पानी अमृत तथा दानम। अगर कोई बात करते हैं लगता है जैसे बड़ी सुंदर कोई भजन गा रहे हैं। अभी तुमको पता नहीं ये ब्रजवासी कौन है। अगर नंदा बाबा बोलते बोले लाला थोड़ा बड़ा खड़ा हो ले आओ, कृष्णा ठुमकुर 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 चलते हैं, खड़ाओं का हाथ में नहीं, वो खड़ाओं को सर पर रख कर कृष्णा ले आते हैं। नंदा बाबा सोचते हैं मेरे लाला कितने अच्छे हो, मैंने कहा खड़ाओं ले आओ हाथों में नहीं, उसका सर पर रख कर के ला रहे हैं। लाला जो बड़ा हो जाएगा ना फिर क्या होगा, लाला बड़ा हो जाएगा तो पिता माता की बड़ी सेवा करे। बोले जिनकी चरण का धूल मैं स्वयं धारण करता हूँ। अगर नंदा बाबा कभी अगर नंदा बाबा पान खाते हैं, नंदा बाबा कभी पान खाते हैं, कृष्ण क्या करते हैं स्वयं नंदा बाबा की मुंह में अंगुल डाल करके उनको झूठा पान को कृष्ण खाते हैं, कृष्ण खा करके खुश होते हैं। इसलिए कहते ये ब्रजवासी जिनके चरण धूल में स्वयं धारण करता हूँ। और तुम कहाँ से इंद्र आ गए और सोच रहे हो मैं स्वर्ग का राजा है, मैं प्रजा है, अभी तेरे को मजा चढ़ाता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या की इंद्र की सारे घमंड तक उन्होंने दूर कर दिया। तीसरा कारण बताए क्यों कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन धारण किए हैं। तीसरा कारण बताइए जो ब्रजवासी, ये ब्रजवासी और कोई नहीं कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ये सबके सब कृष्ण के प्रकाश। ये ब्रज गोपियां कौन हैं? बोले राधा जी की एक एक भाव ही ये ब्रज गोपियां हैं, ये और कोई नहीं। ये सखा कृष्ण का प्रकाश, बलदेव प्रभु का प्रकाश, ये सबके सखा हैं। लेकिन अभी इंद्र क्या सोच रहे हैं, ये सबके सब मेरे अधीन और मैं इनके राजा है, बल इनका तुम राजा बन गया, अभी तेरे को दिखाता हूँ। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं इनको साथ में मैं 7 दिन तक एकत्रित होकर के उत्सव करना चाहता हूँ, हैं? और कभी कभी ये ब्रज गोपियों से मिलना तो मेरे लिए बड़ा कष्ट होता है। ऐसे एक काम करो जो ये ब्रजवासियों को साथ में, ब्रज गोपियों को साथ में मैं एकत्रित 7 दिन तक मैं वास करना चाहता हूँ। इसलिए जिस समय कृष्ण के गिरिराज गोवर्धन धारण की, चारों तरफ तो बारिश हो रही है, बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहीं पर उनको खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जिस राधा रानी से कृष्ण मिलने के लिए पता नहीं क्या क्या कृष्ण कहते थे, हैं क्या क्या उन्होंने कृष्ण कहते, कहीं राधा रानी से बड़े कठिन से कहीं राधा रानी से ये मिलते थे, लेकिन नहीं चाहने पर भी अभी राधा रानी सामने खड़ी है। आप लोग कोई बस में गए हो, जिस बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो, ट्राम में भीड़ हो, देखना जैसे लड़का लड़की नियम तो अलग रहनी चाहिए, लेकिन नहीं चाहने पर क्या होता है, वहां चिपक करके खड़ा रहना पड़ता है, चाह नहीं सकते। उसी तरह यहाँ पर राधा रानी, इसलिए सामने राधा रानी खड़ी, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किए थे, इतने में सामने राधा रानी आती और राधा रानी को देखते ही तो कृष्ण का अवस्था खराब हो जाता है। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले बंसी करार निपति दस कलितम श्रीखंड भ्रष्टस्त पीत वसनम ब्रज। कभी कभी उनके वस्त्र भी खिसक जाते हैं, बंसुरी भी गिर जाते हैं, कभी खुद भी गिर जाते हैं। अभी राधा रानी सामने आ गई, अभी राधा रानी को देख कर तो कृष्ण ढगमगाने लग गए, हैं? अभी इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन कनिष्ठ मुरुक पर रखे, सारे ब्रजवासी उसको नीचे, अभी तो कृष्ण ढगमगाने लगे। कृष्ण का जो सखा था बोले कन्हैया किधर देख रहे हो, हैं? ठीक से खड़े रहो क्योंकि इसको नीचे सारे ब्रजवासी, गिरिराज अगर गिर जाएगा तो सबके सब राम राम सत्य हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ठीक से गिरिराज को धारण करो। इसलिए राधा रानी क्या कर रही थी, ऐसे टेढ़ी नजर से गिरिराज को देख रहे थे, गिरिराज जहाँ के तहाँ वहीं पर टिके रहो, अगर तुम नीचे उतरोगे ना तेरे को मैं जला करके राख बना दूंगी। इसलिए कभी कभी ब्रजवासी कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर ये उठाए।
बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। इसलिए हमारी सखियां क्या कहती हैं, बोले गिरिराज थोड़ी कन्हैया ने उठाए, गिरिराज था हमारे श्री किशोर जी ने गिरिराज उठाने के हैं, हमारे श्री राधा रानी ने ये गिरिराज गोवर्धन को धारण किए हैं। और जो चौदह जो कारण है, कृष्ण अभी रासलीला करना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो कृष्ण रास कर ही नहीं सकते हैं बगैर ब्रज गोपियों के। अभी कृष्ण सोच रहे हैं इनके मन को मैं कैसे आकर्षण करूं, इसलिए उन्होंने इसके लिए उन्होंने दो लीला की। सिनेमा में आप देखे होंगे जब कोई हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, वो हीरोइन को सामने कुछ बहादुर दिखाता है, हैं उसको सामने लोग को इकट्ठे करके ए सबके सामने खूब मारपीट करेगा, मारपीट करते करते सबको भगा देगा। हीरोइन बोली बोले बाबा ये तो बड़ा पहलवान है, वो अपने आप उसको प्रति वो आसक्ति आकृष्ट हो जाती है। इसलिए हीरो कौन है ब्रज की, बस एक वाक्य बिहारी हीरो, और यहाँ पर कोई हीरो नहीं, बस श्री वाक्य बिहारी की जय। अब हीरोइन कौन है, ये ब्रज गोपियां राधा रानी हीरोइन। इसलिए कृष्ण ने ये जो कालियों का सर्प को पर उन्होंने नृत्य किया है, उन्होंने सबको दिखाया, देखो कभी तुम लोगों ने देखे हो कोई गिलास या को पर नृत्य करता है, कोई रस्सी के ऊपर, कोई सर पर कलशा लेकर के, कभी देखे हो सांप को पर किसको नाचते हुए कभी देखे हो। इसलिए कृष्ण क्या उन्होंने कालियों के सर्प पर नृत्य किया, जिसको देख देख करके बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। और दूसरे उन्होंने काम किया, सात साल में सात क्रोश गिरिराज, और उन्होंने सात क्रोश और सात दिन तक उन्होंने कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में श्री गिरिराज को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए जिसको देख देख करके ब्रज गोपियां पूरा के पूरा प्राण मन को उन्होंने कृष्ण के चरण में नौछावर कर दिए, फिर से कृष्ण का रासलीला हो गया है, उनके लिए असंभव नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने जिस समय उन्होंने इंद्र की पूजा की, इंद्र ने देखा ये हर साल ब्रजवासी मेरी बड़ी पूजा करते थे, लेकिन इस साल तो पूजा का कोई शोर सवार है ही नहीं। एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ तो ये ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। देखा इंद्र के लिए कितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई और राबड़ी है खुरचन और जो बढ़िया बढ़िया इनके लिए भोजन बनाए थे, और ये सारे भोजन को लेकर उन्होंने श्री गिरिराज की पूजा करा रहे। इंद्र तो एक साल से इंतजार करता है, क्योंकि साल में एक बार बढ़िया बढ़िया अपने को खाना मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक साल से इंतजार कर रहा है, आज का दिन बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, अगर वो भोजन और किसको मिल जाए बताओ क्या होगा, क्रोध हो आएगा कि नहीं। वो उसने दूत ने सब चीज को देखा, वो कृष्ण की बात में आकर के इंद्र पूजा को छोड़ कर भी लोग गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं, उसने जाकर के बोल दिया ऐसे ऐसे। इंद्र को इतने क्रोध आया, कृष्ण को तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। स्तब्ध बालक अज्ञा पाचाल बोलकर गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन जो सुधा सरस्वती भगवान में ये दोष कैसे संभव है, सुधा सरस्वती ने इस सारी गालियों को उन्हें स्तुति पर उन्होंने व्याख्या कर दी। अब इंद्र ने 49 पवन और उन्होंने 49 पवन को संवर्तक मेघ को बुलाए, बोले ऐसे ब्रज में प्रलय ले आओ जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। अभी इनके आदेश को प्राप्त करके हाथी के सूंड के जैसे ऐसे कुशल धारा से बारी जैसे प्रलय अवस्था हो, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, आंधी तूफान, मानव ब्रज में प्रलय आ गया। अभी जितने ब्रजवासी सब के सब कृष्ण को पास में गए, बोले कन्हैया तेरे बात को सुन करके हमने ये इंद्र पूजा बंद कर दी, देखो ये इंद्र क्या गड़बड़ी कर रहा है। बोले चिंता मत करो, हम लोगों ने श्री गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमारी लाज को बचाएगा, चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलहटी पर। कहते जैसे एक छोटा बालक एक साधारण क्षत्रिय को
अपना हाथ ऊपर उठा ले, ऐसे ही कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को गिरिराज को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब आ जाओ गिरिराज के नीचे। सब से ब्रजवासी सबके सब आ गए। अभी प्रश्न है भैया, गिरिराज क्या इतना बड़ा था जो सारे को सारे ब्रज आ गए? गिरिराज देखे कि नहीं? देखे हो गिरिराज ना? कहते कृष्ण तो जिन गोपियों का साथ में रास रचाया, कहीं कहते सत कर्ण गोपी, कहीं कहते 300 कर्ण गोपी। कभी कभी ऐसे आता है वर्णना, गोस्वामी लोग कहते हैं जहाँ 300 कर्ण गोपी, और वहां पर जब गैया की बात करते हैं ना, अद्भुत खरबूत वहां पर गैया, और ब्रजवासी कितने? कहते भैया ये सबके सब गिरिराज के तलेट में कैसे आ गए? तब हमारे श्री टीकाकार लोग कहते हैं कि जो ब्रज है ना ये चिन्मय धाम है। कहते स्वर्ग में एक सभा है जिसका नाम सुधर्मा सभा। वो सभा की क्या विचित्रता है, अगर 100 लोग आ जाए बैठ जाए लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी, 1,00,000 लोग आ जाए तभी बैठ जाएगी एक कुर्सी खाली रहेगी, अगर 1,00,000,000 लोग भी आ जाए ना तब भी बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी कभी पूरी नहीं होगी, वो एक कुर्सी हर समय खाली रहेगी। कहाँ पर? ये स्वर्ग में। और कहाँ? भगवान की दिव्य अपराकृत भगवान की चिन्मय धाम श्री गोलोक वृंदावन, वहां किसी चीज के असंभव नहीं। सबके सब ब्रजवासी गिरिराज की नीचे सबके सब आ गए, इतने जितने सखा लोग थे ना ये सबके सब डंडे देकर गिरिराज में टिका दिया। बोले कन्हैया तू अकेले कब तक ये गिरिराज को धारण करोगे, थोड़ी सी तो विश्राम कर ले, हाँ थोड़ा हाथ पर नीचे कर ले। कृष्ण बोले देखो तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों? तू क्या अकेला मैया का दूध पान किया? हमने क्या कहे मैया के दूध पिए नहीं? हाथ नीचे कर ले, हम भी मैया के दूध पिए हैं, इसलिए हम गिरिराज उठा लेंगे। जब कृष्ण धीरे 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 हाथ को नीचा किया ना, गिरिराज नीचे आने लग गए, और जितने डंडे थे ना सब डंडा सब टूटना शुरू किया। इतने में सखा होने वाले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही ये गिरिराज को तू ही धारण कर ले। मैया यशोदा कृष्ण को बार बार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए, और हाथ को मालिश ही कर रही थी। 5 मिनट कैसे करो, हमारे लिए 5 मिनट भी करना कठिन है। अरे कृष्ण कितना दिन तक गिरिराज उठाया? 7 दिन तक गिरिराज उठाया ना, कोई साधारण बात है? हाँ यहाँ पर शिक्षा देते हैं। देखो हम लोग है ना, हमारे भारत के लोगों का श्रद्धा वो बड़ी कोमल श्रद्धा है, थोड़ी सी कोई चमत्कार देखे ना अमुक भगवान साईं भगवान अमुक भगवान, भैया कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान तो हमारे कन्हैया भगवान है, बाकी बिहारी भगवान है। ये तो गिरिराज कौन कौन गए? गिरिराज हाथ उठा तो कौन कौन गिरिराज गए? जिसको परिक्रमा लगाने के लिए 8-10 घंटा लगता है, और कृष्ण इतने बड़े गिरिराज वो नख को ऊपर गिरिराज उठाने दिया। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते हैं। बोले उल्टा हाथ की बात छोड़ो, सबसे कनिष्ठ अंगुली है उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, कनिष्ठ अंगुली छोड़ दो। कृष्ण गिरिराज को नख को ऊपर धामे दिया। अभी जितने भगवान है बोलते भगवान, एक कृष्ण तो गिरिराज को उठा लिया, एक 10 क्विंटल एक पत्थर ला करके उसको सर पर रख, केवल 10 क्विंटल सारे निकल जाएगा भगवान भगवान। अभी सुन रहे थे ना कृष्ण काली को सर पर नृत्य की, थोड़ा जहर ला करके उनको मुंह में दे तो भगवान 3-3 बार ब्रज में उन्होंने अग्नि पान की, 3-3 बार जब ब्रज में। अब ये काली दहन के बाद में कृष्ण ब्रजवासी लोग उसको पास में ही विश्राम कर रहे थे, इतने में कंस का चरण ने आग लगा दी, हाहाकार मच गया। कृष्ण ने उन्होंने क्या किया, अग्नि को दाबा, नल को उन्होंने पान किया। अभी जिसको भगवान कहते हो थोड़ी सी मुंह में आग लगा कर देखो तो, हम मूर्ख लोग हैं, हमको गीता भागवत रामायण से कोई मतलब नहीं, कोई ग्रंथ भरत पढ़ते नहीं, और थोड़ी सी चमत्कार दिखाए ना बोले भगवान भगवान। अरे जादू दिखाने से कोई भगवान हो जाते हैं? थोड़ी बीमारी सही करने से कोई भगवान का डॉक्टर साहब तो भगवान ही सबके सब। मोदी सबसे बड़ा भगवान, कितने लोगों को नौकरी चाकरी दे रहे हैं, कितने लोगों को। इसलिए भैया भगवान का डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, भगवान का डेफिनेशन क्या है,
है, इसलिए क्या डेफिनेशन है, बोले समग्र ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य शरणानुभवम इति गणा। इसलिए पुराण में बताए ये छह गुण जिसको अंदर में परिपूर्ण रूप में हो उसको ही भगवान कहते हैं। बोले समग्र ऐश्वर्य, केवल भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व का नहीं, केवल ब्रह्मांड का ऐश्वर्य नहीं, बोले अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का जितने ऐश्वर्य का वो मालिक होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चरण की सेवा कर देते हैं। समग्र ऐश्वर्य जस, जिसकी जस केवल भारत पृथ्वी में नहीं, जिनके जस को स्वर्ग में मोह यन तप सत्य लोग, सत्य लोग नहीं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान ने नाम कितने साल तक राजत्व किए अयोध्या में, पता है कितना साल तक, बोले 11,000 साल तक भगवान राम अयोध्या में राजत्व करते हैं। भगवान को कभी दाढ़ी मोच देते हो? भगवान को कभी दाढ़ी मोच के देते हो? भगवान कभी बूढ़े बने हैं? माँ सीता कभी बूढ़ी बनी है? इसलिए भगवान का दाढ़ी नहीं होते है। कहते नवकिशोर नटवर भगवान का स्वरूप, कहते 14.5 साल से कभी ज्यादा उनको उम्र होती नहीं, लक्ष्मियों की 13.5 साल से ऊपर कभी उम्र ही ज्यादा नहीं होती। भगवान कभी मरते नहीं, भगवान कभी रामायण कौन कौन देखे है? हाँ तो जाओ कौन कौन टीवी में रामायण देखे, देखे रामायण है ना। भगवान जब गए अयोध्या छोड़ करके प्रभु राम क्या देखा, सरज में स्नान कर रहे हैं, अयोध्या धाम से नित्य अयोध्या धाम से रथ आ रहा है, एक एक स्नान कर रहे हैं, चतुर्भुज धारण करते हुए सीधा भगवत धाम। कृष्ण भी जब जगत से गए संपूर्ण ब्रजवासियों को कृष्ण लेकर गए, क्योंकि वो धाम समेत आते हैं और ये धाम समेत प्रभु जाते हैं। इसलिए यहाँ पर छह ऐश्वर्य जिसका अंदर में ज्ञान वैराग्य हो, बल्कि इनको भगवान कहते हैं। इसलिए भैया ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला, जिसको जिसको किसे भगवान बोलकर मत भागा करो, हमारे भगवान तो भाग्य बिहारी। बोले श्री भाग्य बिहारी की, बोले श्री भगवान रामचंद्र की, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण की, 7 दिन इंद्र ने पूरा जी जान लगा दी। 7 दिन के बाद में एक दूत को भेजते हैं, देखो तो ब्रज में क्या हो रहा है। एक दूत आए, आ करके वो केवल ऊपर ऊपर से देख करके चला गया। बोले तुमने क्या देखा? बोले ब्रजवासियों कोई ब्रज में एक चिट्ठी तक अभी नहीं, सब खत्म, क्यों? वो ऊपर ऊपर देख कर गया था। लेकिन एक दूत को बोला भैया तू देख कर क्या, वो एकदम नीचे आया। नीचे आया तो इंद्र सोच रहा था शायद ब्रज में बहुत बड़ी कोई विपत्ति आ गई होगी, है बहुत बड़ी, क्यों 7 दिन तक लगातार हाथी के सूंड के जैसे अगर हम पहाड़ी से हो, बताओ कि बच सकते हैं? बच नहीं सकते हैं, लगता है पूरा ब्रज तो खत्म। लेकिन जब वो नीचे आकर के देखा है ना, कहते भैया विपत्ति क्या, वहां पर तो संपत्ति है, वहां पर तो सब ब्रजवासी सबके साथ कृष्ण के मुखार बिंद को दर्शन करते हुए, वहां पर तो सबके सब आनंद, कृष्ण को तो यही चाहती ना, 7 दिन तक ब्रजवासियों के साथ में मैं उत्सव मनाना चाहता हूँ। वो नीचे आकर के देखा सबके सब ब्रजवासी, बोले आय जबी रज में होई रे रसिया, आय जबी रज में होई रे रसिया, होई रे रसिया
Thank you.
कितना दिन तक ब्रजवासी खड़े रहे, रात दिन सात दिन तक संभव है क्या? एक जगह पर कहीं खड़े हो करके आप सात दिन रुक सकते हो? अरे ये ब्रजवासी लोग ये सात दिन तो बिताए कैसे? कहते जब वो कृष्ण के मुख कमल को दर्शन कर रहे थे, ये ब्रज गोपियों का जो भावना है ना, महाभाव दशा है, ये अनुराग स्थिति में, अनुराग लक्षण कहते हैं। कभी किसी चीज को जब जब भगवान को दर्शन करे तब तक लगे नहीं जैसे कभी हमने पहले देखा है, वो लगे जैसे पहला बार देख रहे हैं। जैसे ठाकुर जी का हम दर्शन करते हैं, सवेरे भी दर्शन करते हैं, दोपहर को भी दर्शन करते हैं, शाम को भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, कभी विनती लगती है? और जब जब ठाकुर का देखो तब तक कैसे लगता है जैसे पहला बार देख रहे हैं? ये हम लोगों का स्थिति है, लेकिन ब्रजवासी लोग तो कहाँ कृष्ण के नित्य परिकर है। इसलिए कहते त्रुटि जुगायते त्वांग मपस्यताम। जब ब्रज गोपियां कृष्ण को दर्शन करती हैं, मानो कृष्ण का जो मुख कमल है, जो घुंघराली केश मानो भौरा मडरा रहे हैं, गैया का खूर से जो धूल है मानो जिस जैसे मुंह को अंदर में पाउडर क्रीम लगाए, इसलिए गोपियां जब दर्शन करती हैं कृष्ण को, आंखों का पलक झपते ही पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे लगता है मानो करोड़ों काल तक हमने कृष्ण दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं, ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, केवल कृष्ण को देखने के लिए दो ही आंख और हर समय ये पलक झपती रहती है, हैं? इसलिए कृष्ण की मुख दर्शन करते हुए ठाकुर का कीर्तन करते हुए ऐसे आनंद बीत रहा था जैसे कृष्ण रासलीला कितना दिन तक किए, बोले ब्रह्मा का एक रात। एक रात कितने? बोले 1000 चतुर्युग है। बोले 1000 चतुर्युग कितने? कितने करोड़ों साल तक उन्होंने रास की। उनको ऐसे लगा जैसे अभी आए अभी खत्म हो गई। देखना आनंद में ना समय पता नहीं चलता, लेकिन दुख में एक एक सेकंड भी बीतना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उसने जो वापस गया, इंद्र ने पूछा ये ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं, वो दूत ने कहा ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब? बोले जिसको साधारण तू बालक समझ रखा था वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल गोपर में श्री गिरिराज को धारण करके रखा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इंद्र ने देखा ये कौन, इंद्र ध्यान लगाया, देखा बोले हे भगवान ये तो मेरे प्रभु, ये इंद्रपद को बलि ने छीन लिया था उनसे, लेकिन भगवान वामन अवतार में उन्होंने बलि से लेकर के इंद्र को प्रदान की थी। बोले हे भगवान ये तो मेरे प्रभु, जिनकी कृपा से ये इंद्र का गद्दी पर में बैठा हुआ, लगता है मेरा इंद्रपद ही छीन गया। उन्होंने अपना गुरु जी बृहस्पति को पास में सारी बात बताई, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर? बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में। अरे ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। बोले क्यों? बोले जो वाक्य बिहारी है ना कृष्ण है, इन्होंने किसी की अहंकार को नहीं रखा, सभी की अहंकार को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। सारे इंद्र चंद्र शंकर ब्रह्मा सबके सब उनकी चरण में सबके सब नाक रगड़ना पड़ा सबको, हैं? ये साधारण अवतार नहीं, मैं भी कुछ दिन पहले इतने बुरी तरह से फंस गया था, किसी तरह से मेरा इंद्र पद बच, मेरा ब्रह्म पद बच गया। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कृष्ण जब उन्होंने अघासुर को वध की, और अघासुर को वध करने पर 5 साल उम्र में जब वध की, इतने में देवता लोग उनकी जयकार दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पीछे का लोग तो चुपचाप बैठे हुए, अर्थात जय दो ठाकुर को दो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
अभी धीरे धीरे ये जयकार ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने सोचा भैया ये ब्रज में जय जयकार क्यों हो रही है। ब्रह्मा बोले नीचे उतर करके आया और देखा 5 साल में कृष्ण अधास रूप बद्ध किया, जिसको बड़े बड़े देवता भी धरते थे। फिर क्या देखा, इसकी ज्योति एक निकला, वो कृष्ण के शरीर में समा गया। बोले ये बालक कौन है, ये ब्रह्म ज्योति भी जिनके शरीर में समा गया, क्योंकि जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते तो ब्रह्म है क्या चीज। कहते जब अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चात अनुभव, ये ज्ञानी लोग जिसको निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो कृष्ण की बांके बिहारी की प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है, हैं? उनके नख की छटा ही ये ब्रह्म ज्योति। इसलिए ये तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले मैं थोड़ी सी आगे लीला दर्शन करने के लिए मैंने इनकी बछड़े सखाओं को मैंने लेकर गुफा में बंद कर दिया। फिर जब एक जब मैं गया ब्रह्म लोक में ना, वो ब्रह्म लोक में पहुंचने पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए। और जो दरवान थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए, अगर कोई आए तो घुसने मत देना। और जब मैंने ब्रह्म लोक में पहुंचा मेरे जो नौकर थे ना वही लोग ही डंडा लेकर के मारने के लिए भागते हुए, बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा बोले भैया फिर मेरे पद को छीना छीन के सिर लिया, देखा भगवान प्रभु कृष्ण ही वो ब्रह्मा स्वयं बनकर बैठ गए। ब्रह्मा तो डर के मारे गए और आए इसी जगत में, हो गया 1 साल। ठाकुर जी जैसे लीला कर रहे थे 1 साल पहले अभी भी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर मैंने चकराया क्या उनको फिर वापस ले आए, जब दोनों तरफ में देखा भगवान दिखाया, देखो ये सखा और बछड़े कौन हैं। कहते आप ब्रह्म स्तंभ, उन्होंने चतुर्भुजधारी नारायण 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 देखा। बोले मैं तो एक नारायण की नाभि कमल से मेरी सृष्टि, अनंत करोड़ों मैंने नारायण देखा। फिर तो समझ गया मेरे मेरे बाप का भाग भी थी ये बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी की, मेरे को बड़ा नाक रगड़ना पड़ा, इतने मेरे को नाक रगड़ना पड़ा ठाकुर जी के चरण में, इतने नाक रगड़ना पड़ा, मैंने कितने ठाकुर को सुंदर सुंदर स्तुति की, तब भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैंने एक बार ब्रजवासियों की मैंने स्तुति की, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। जब मैंने एक बार ब्रजवासियों को स्तुति की, ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य की, कृष्ण कौन ये पूर्ण ब्रह्म और सनातन, लेकिन होते हुए भी कृष्ण कर रहे हैं क्या, सखाओं का सखा बन गए। कृष्ण कभी अगर हार जाते हैं सखा लोग कृष्ण को पीठ पर बैठ कर चल ये माठ गांव भांडरी वट तक ले चल, अगर कभी कृष्ण बोलते मैं नहीं लूंगा, बोले इससे कोई बात नहीं करना इसको अलग कर दो। कृष्ण कहते नहीं 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 भैया मेरे को साथ में रखो। कहां भगवान, कहते मेरे को अलग मत किया करो, हैं? अगर सखा लोग कभी कोई मीठा कोई फल मिला पहले तो सखा लोग खा लिए, खा करके बोले कन्हैया बड़ा मीठो फल है, बोले तू क्या अकेला खाओगे, कृष्ण छीन करके उनकी झूठन फल को कृष्ण खाते हैं। ऐसे जो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, सखाओं की सखा, मैया की गोपाल और ब्रज गोपियों की प्रियतम जो बन गए, उन्होंने जब स्तुति की ना तो खुश हो गए, उन्होंने बहुत उनके चरण में नाक रगड़े। लेकिन देखा कृष्ण तो खुश हुए हैं लेकिन हृदय से खुश नहीं, बल मेरा अपराध हो गया। फिर उन्होंने सोचा कैसे इनके अपराध माफ कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी श्री नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम गए हो, कौन कौन नवद्वीप धाम गए, जरूर सबको नवद्वीप धाम जानी चाहिए। जब ब्रह्मा जी उन्होंने तपस्या की तब भगवान अपना अंतर की बात बताए, बोले हे ब्रह्मा जी मैंने श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, विश्व ब्रह्मांड को मैं अपना प्रेम मिलाऊंगा, तो महाप्रभु का लीला में आओ। इसलिए ब्रह्मा जी देखा भगवान हमें ब्रह्म पद दे दिया ना, ब्रह्म पद इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करता है मेरे को बना दिया था, इसलिए कहते प्रभुता पाई और काम दनाई। अभी भैया बड़े बनकर नहीं आऊंगा, अभी छोटे बनकर आऊंगा। ब्रह्मा जी मुसलमान घर में जन्म, और ये मुसलमान घर में जन्म लेकर के
भले छोटे जाति में जन्म ग्रहण करूंगा ना, मेरी अंदर में दीनता रहेगी और मैं महाप्रभु की सेवा करूंगा। दिन में तीन तीन लाख हरि नाम करते थे और महाप्रभु की बड़ी सेवा की। और लास्ट में श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्हें शरीर छोड़े, महाप्रभु स्वयं जिनको गोद में उठा करके ले करके अपना हाथों से श्री हरिदास ठाकुर जी को उन्हें समाधि स्वयं भगवान किया है। और उन्हें तीन तीन लाख रोज रोज हरि नाम करते थे। आप लोग भी एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। बहुत सुंदर भगवान राम राम हरे बार जोर करके बोलो, बोलो हरे लाख हरि नाम करते हुए उन्होंने सेवा की। लेकिन यहाँ पर हमारे विश्वनाथ चक्रम ठाकुर कहते हैं, भले ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े और सखाओं को चोरी की, चोरी जो कोई व्यक्ति करता है दंड तो मिलनी चाहिए ना, लेकिन उनको दंड नहीं मिला, क्या मिल गया उसको? पुरस्कार मिला। ठीक नवद्वीप धाम में महाप्रभु के धाम में उन्होंने जन्म लिया। ये बात शंकर जी पार्वती को कहते हैं, भले हे पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, शंकर जी कह रहे हैं, किसको शायद विश्वास नहीं होगा, यदि विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों बार कोई परिक्रमा लगाए दर्शन करे, उसमें जो उनको फल प्राप्ति होगी, एक बार अगर नवद्वीप धाम कोई परिक्रमा करता है, शंकर जी कह रहे हैं, उसको उससे करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा उसकी पुण्य, करोड़ों करोड़ गुण उसका फल प्राप्त होगा। शंकर स्वयं कहते क्यों, नवद्वीप धाम में ये भी इंद्र भी जो अपराध की है, इंद्र ने देखा ठाकुर जी हृदय से मेरे को अपराध माफ नहीं किया, इसलिए इंद्र स्वयं जाकर के नवद्वीप धाम में उन्होंने वहीं पर जाकर उन्होंने तपस्या किया। सुरभि कुंज में तपस्या किया इंद्र ने। जिन जिन्होंने कृष्ण चरण में अपराध की है ये सबके सब महाप्रभु के धाम में आए। क्यों कहते, कलयुग में महाप्रभु राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर के आए, और कृष्ण तो हमारे टेढ़े तीन जगह में टेढ़े, उनका नाम भी टेढ़ा है, उनकी भजन भी बड़ी टेढ़ी खीरी है, इसलिए कहते हैं ना, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। तीसरी क्या स्वर की जरूरत नहीं, अब गाओ।
ईश्वर जीव राधा रानी को बड़ी सीधी जाती है, इसलिए वृंदावन में आकर कोई भी बांके बिहारी का नाम नहीं लेते हैं। किसके नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोले भाई, वही टेढ़े टांग वाले तो नवद्वीप में महाप्रभु रूप में आए, लेकिन वो इतने दयालु कैसे होंगे? महाप्रभु ने एक बार कोई महाप्रभु को सामने आ जाए, एक बार केवल उनके चरण में प्रणाम कर लेना, वो कभी उन्होंने नहीं देखा तूने पहले क्या किए हो। बोले जया के पढ़े तारे करे निस्तार, इतने दयालु कैसे हो गए? कारण है कलयुग में वही कृष्ण राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर के आए, इसलिए इनका नाम गौर हरि। गौर मतलब गौरी राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण, ये दोनों मिलकर के नवद्वीप में आए, इसलिए इनका नाम श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए ये हरिदास ठाकुर जी रूप में ब्रह्मा जी आकर के, हाँ इसलिए कहते भैया उनको पुरस्कार कैसे मिला, उनको तो दंड मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे टीकाकार लोग कहते हैं यद्यपि उन्होंने कृष्ण की बछड़े सखा को चुराया ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम भी किया है। बोले काम किया है, इसलिए ब्रह्मा का एक नाम है, ब्रह्मा मतलब किया। बोले ब्रह्मा एव सर्वविद भवे, ब्रह्मा का तात्पर्य होता जो सब जानता है। देखो साधारण देवता लोग अगर सब जान लेते हैं कहां तो देवता की देवता भी ब्रह्मा है, सृष्टि करने वाले। फिर उन्होंने गड़बड़ी की क्यों की? बोले कृष्ण की इच्छा है। बोले कृष्ण की इच्छा क्या था? बोले कृष्ण जब मैया जशोदा की स्तन पान करते थे, ब्रज की जितनी वृद्ध गोपियां वो सोचती थी कृष्ण किया हमारे भी स्तन पान करेंगे। कृष्ण जब मैया की दूध पीते थे, जितने गैया इस सबके सब इच्छा करती थी क्या कृष्ण कभी हमारे भी स्तन पान करेंगे। अभी ब्रज में जितने सबके सब गोपियां जो कौन है वो साधारण नहीं, कहते श्रुतिचरी, बड़े बड़े वेद का मंत्र, दंडकारण्य का जो ऋषि लोक है, स्वर्ग की जो देवियां हैं, दूसरे दूसरे जो लक्ष्मियां, ये सब के सब वृंदावन में ब्रज गोपी बनकर के आए, क्योंकि कृष्ण से शादी करना चाहते हैं। बोले जिस साल में ब्रह्मा जी ये बछड़े सखाओं को चुराए, अभी कृष्ण स्वयं बछड़ा सखा बने हुए, गर्गाचार्य ने और उन्हें अनाउंसमेंट कर दिया, अगर इसी साल में किसी लड़की की अगर शादी हो गई ना, वो कभी विधवा नहीं होगी, उसकी सुहाग चिरकाल उसकी सुहाग बनी रहेगी, क्योंकि इसी समय कृष्ण ही सबके सब सखा बने हुए। अगर कृष्ण से कोई शादी करे, कहते ना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बरा बरी और गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर है जाए, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। अभी कृष्ण ही तो बनेंगे सखा, इसलिए उन्होंने किया कि जितने लड़कियां थी ना सबको शादी करा दी। तभी शादी किससे हो गई? किससे शादी हो गई? कृष्ण से शादी हो गई सबके साथ, इसलिए उन्होंने ये सब काम किया और कृष्ण ही बछड़े बन गए, कृष्ण ही सखा बन करके आए। अब सभी घर घर में जाकर के उन्होंने किया कि सारे गैया का दूध भी पिए, क्योंकि गैया सब वेद के ऋचा है, और जितने माताओं के घर घर में कृष्ण गए और उन्हें सबका स्थान उन्होंने पान किया, इसलिए ब्रह्मा जी बहुत बड़ी काम किया है। इसलिए पितामह भगवान कृष्ण उनको बड़े नाराज नहीं हो, यद्यपि दिखाया है लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन करके श्री नवद्वीप धाम में आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। जब कृष्ण ये ब्रज लीला में डूबे हुए थे, एक दिन कृष्ण ये जमुना किनारे में, यहीं पर हमारी यहीं पर कैसी घाट में कृष्ण गोचारण कर रहे थे। एक दैत्य था जिनका नाम था कैसी दैत्य, कंस जिनियों को भेजा कोई वापस नहीं आए, ठीक हां करते आए, जरूर कृष्ण को मार करके आएंगे, लेकिन कोई वापस नहीं आए। कैसी दैत्य था, बोले मेरे को भी एक मौका दिया जाए। कंस ने बोले भैया सब एक ही मौका लेकर गए, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आए, तू भी कहते एक मौका। बोले ये बताओ कृष्ण देखने में कैसे, उसको जब मारूंगा कैसे? कंस ने कहा मैंने भी सुना वो मोर मुकुट धारण करता है, हाथ में बंसुरी, पीताम्बर और श्याम रंग की, बॉस कैसी दैत्य यहीं पर आ गए जहां पर हम बैठे, हिन हिन करते हुए और खूर से धूल को उड़ाते हुए आंधी तूफान लेकर के आए। लेकिन थोड़ी देर पहले क्या हुआ,
वो मधुमंगल को साथ में कृष्ण की लड़ाई होगी। मधुमंगल वाले जानते हो कन्हैया तेरे को ये ब्रजवासी लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिश्री राबड़ी क्यों खिलाते हैं? बोले क्यों? बोले तेरे को थोड़ी खिलाते हैं। बोले किसको? बोले तेरे जो वस्त्र जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस की कमाल है। अगर तू मेरे को ड्रेस दे दोगे तो कोई तेरे को पूछेगा नहीं। बोले भैया एक बार लेकर देख ले। बस दे दिया। इतने में कैसी दैत्य आ गया। बोले कहाँ? वो मुरली वाले बंसुरी वाले मौर्य मुकुट वाले देखा मधुमंगल पहना हुआ, उन्होंने दुलती मारी, ऐसे मारी लगी तो है नहीं, उसकी हवा से ही जाकर धड़ाम करके गिरी। बोले भैया मधुमंगल सोचे मैं तो लड्डू कचौड़ी खाने का चक्कर में पहना था, भैया मैं मर जाता है तो बड़े खतरा है ये ड्रेस, भैया करनी है मेरे को जरूरत नहीं, तू अपना ड्रेस ले ले। इतने में उन्होंने कृष्ण है तो कृष्ण के साथ में घमासान युद्ध हुई। युद्ध करते करते कृष्ण अपना हाथ को उसको मुंह में घुसार दिए और हाथ को उन्होंने इतने गर्मी कर दिया जैसे लोहे के जैसे गर्म करती हैं और उसको गले में जाकर हाथ अटक गया और आंख जैसे रसगुल्ला जैसे दो आंख जैसे निकल कर आ गया। जब उन्होंने कैसी दैत्य को मारे इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्पों की बौछार करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में नारद जी आए बोले प्रभु आप तो ब्रज लीला में ऐसे डूब गए हो, आप तो भूल गए आप कौन क्यों किस लिए आए हो। प्रभु एक आध कोई राक्षस आ जाए मार डालते हो। प्रभु जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको थोक दर का काम करना पड़ेगा। अभी कितने कंस अभी भी है चारों मुष्टि की साल दो साल और उन्हें शिशुपाल दंत पक्र और जरासंध कितने बड़े बड़े सबके राक्षस पड़े हुए, प्रभु उनको भी उधार करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु अगर आपका आदेश हो ना मैं प्लेटफॉर्म बना दो। बोले ठीक है। बाहर सब उसने आए कंस को भड़काया। बोले कंस तेरे को पता? बोले क्या है? बोले कृष्ण बलराम को पता है? बोले कौन है? बोले आकाश बाणी क्या हुई थी? देवकी के अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, आकाश बाणी हुई थी? बोले हाँ। बोले आकाश बाणी कभी छूटी नहीं हो सकती, उनको तो जेल में बंद किया था। बोले तू रात को सोता रह गया और ये देवकी वसुदेव कहा था सारे पुत्र तेरे को दे देंगे, लेकिन उसने राता रात पहुंचा दिया कि हाँ गोकुल में। ये जो नंद की छोरा है ना, ये नंद की छोरा नहीं, ये वसुदेव का छोरा है। ये जो दाऊ भैया ना, ये भी वसुदेव का छोरा है। ये दोनों ही वसुदेव के बेटा, तेरे साथ में उसने बेईमानी किया। कंस को तो बड़ा क्रोध आया, ए निकाले तलवार, अभी देवकी वसुदेव को दिखाता हूँ। बोले देख जोश में अपना होश को मत खोया करो, हर चीज को सावधान से करो, बुद्धि से काम लो। बोले बताओ गुरु जी के बगैर तो कोई ज्ञान नहीं होता है। बोले जैसे कंस ने एक एक दैत्यों को भेजा और तुमने भेजा कृष्ण मारे, अभी भी तेरे पास में किसी चीज की कमी नहीं। को बोले हाथी है चारों मुष्टि साल तो साल, तुम आठ भाई और तेरे कितने अभी है? बोले बताओ गुरु जी क्या करे? बोले धनुष जगह दस, उसकी बहाना बना करके कृष्ण बलराम को बुलाओ और यहीं पर मिल करके पूरा पीस डालो। बोले गुरु जी के बगैर तो ज्ञान नहीं होता। बोले और क्या है? गुरु जी ऐसे ज्ञान दिया ना, उसको मारने का व्यवस्था करके गए, उनको पता नहीं चला। और उन्होंने अक्रूर को उन्होंने भेजा कहाँ पर? गोकुल में भेजा, नंदगांव में। कृष्ण बलराम किसी तरह से बहका करके फुसला करके धनुष जगने की बहाना से बुला करके ले आओ। और उन्होंने कृष्ण बलराम को उन्होंने लेकर के आए और अक्रूर घाट में जब उन्होंने स्नान किया, अक्रूर सोच रहा था, अक्रूर कृष्ण भक्त है, सोच रहा था ये केवल कितने ये 10 साल 8 महीना किए हैं, कहाँ कितने बड़े कंस चारण मुष्टि को क्या कर सकता है, क्या उसको मार सकता है क्या? उनके मंदिर में शंका थी। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्म हृदय में उन्होंने स्नान जब उन्होंने यमुना में स्नान किया ना, इतने में अंदर में देखा साक्षात कृष्ण बलराम। बोले कृष्ण बलराम तो रथ में, बोले रथ में बैठे हुए। फिर जब उन्हें डुबकी लगाए देखा अनंत नाग ऊपर ठाकुर शयन की हुई, सारे देवता शांत अगारम भुजग शयनम बोलकर स्तुति कर रहे हैं। इतने में उनको विश्वास हो गया ये कृष्ण बलराम कोई नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी है। इतने में जब आए ना अक्रूर जी, बोले चाचा जी पानी में लगना है कुछ देखे हो? बोले आपने जो दिखाया वही देखा हूँ, प्रभु मेरा विश्वास हो गया आप कंस को मार सकते हो। इसलिए जब उन्होंने मथुरा में आए, करीब शाम हो चुका था,
उन्होंने मथुरा के बाहर में अपना तंबू गाड़ करके पड़वा वहीं पर रखवाए। इतने में कृष्ण बलराम सखाओं को साथ में बोले, पिताजी थोड़ा हम मथुरा घूम करके आए, हमने सुना ये मथुरा बड़ा सुंदर धाम है। इतने में नंद बाबा मना कर दिए, बोले नहीं तू बड़ा नटखट है, पता नहीं यहाँ पर कहीं छेड़खानी कर दिया ना, जल में सीधा कल से बंद कर देगा, मेरे को पता है तुम लोग, इसलिए कल जब मैं चलूंगा मेरे साथ में चलियो। कृष्ण बलराम सोच रही ये बड़े बूढ़ों को साथ में जाओ ना, वो मस्ती नहीं आता है, हर बात में टोकते रह गए, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन बराबर उम्र वालों को साथ में जाओ ना मस्ती आता है, हैं? हंसते खेलते खाते पीते चलो। इतने बोले पिताजी हम इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे और सीधा आएंगे। ताऊ को बोले ताऊ कन्हैया को लेकर जाना, संभालना ये बड़ा नटखट है। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब मथुरापुर में प्रवेश किया ना, क्या वर्णना किया, ये मथुरा कौन है, मथुरा की देवी, ये भगवान की लक्ष्मी स्वरूपिणी है, लेकिन ये कंस की अत्याचार से बड़ी दुखी थी। जैसे पति आने पर पत्नी क्या करती है, बड़ी सुंदर रूप में श्रृंगार करके सब धस जाती है, इसलिए जब कृष्ण बलराम ने मथुरापुर में प्रवेश किया, ये मथुरा देवी इतने सुंदर उसने श्रृंगार की, क्योंकि प्रियतम आ गए ना, हैं प्रियतम आ गए हैं, बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार करके, क्या सुंदर राज महल, और चलने का जरूरत नहीं, पाम रखो अपने आप चल पड़ोगे, चारी तरफ में मणि रखा हुआ, लाइट की जरूरत नहीं, सुंदर वहां पर तोरण, क्या अपूर्व वर्णन आया है। हे कृष्ण बलराम जो प्रवेश किया, मथुरा वासी सब तरस रहे थे कब कृष्ण बलराम को देखे, क्यों, उनने सुना कृष्ण 6 दिन में पुतना मारे, सवटासुर को 1 महीना में, त्रिनापत को 3 महीना में, जब कृष्ण गिरिराज धारण किया, बोले बाबा रे 7 साल का बेटा, 7 क्रोश गिरिराज, सारी इच्छा हो रही थी कृष्ण दर्शन जाए, लेकिन कंस का डर से कोई नहीं जा पाए। आज जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए, मानो एक साथ में चंद्र और सूरज प्रकट हो गए, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर पहने हुए, अरे जिस गली में जाए उसी गली में ही कृष्ण बलराम की, बोले श्री कृष्ण बलराम की, सबके सब पुष्पों की बौछार हो रहा है। इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया ये क्या बात है, तू जिस गली में जाए तेरे इतने जय जयकारा हो रही है, तेरे को क्या पहले से जानते हैं, बोले तुमको पता नहीं ये जो कंस है ना मेरा खास मामा लगते हैं, और इसीलिए तो अपना सोने के रथ को भेज करके बुलाए। बोले कन्हैया तू पहले क्यों नहीं बोला, बोले क्यों, बोले देख मथुरापुर कितने सुंदर है, और हमारे कपड़े को तू देख कैसे मैला मैला कपड़ा, हाँ गंदे कपड़ा, पहले बोलते तो चमकीले तो कपड़ा पहले गिर आते, बोले चिंता क्यों करते हो, आगे चलो ना, आगे तेरा जो धोबी एकदम नए नए कपड़े, कंस के लिए सोने की जरी की, सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम करके कंस के लिए ले जा रहे थे। इतने में कृष्ण ने कहा भैया हमारी सखाओं को थोड़ी सी कपड़ा पहना होगी। बोले कहाँ गैया को पीछे पीछे डोलता, वृंदावन में गमार हैं, जंगल में रहने वाले, ये महाराज की कंस के लिए वस्त्र है, राजा की वस्त्र पहनने के लिए तुम्हारी शौक हो रहा है। बोले ज्यादा बोलोगे ना, कंस जो काम के लिए बुलाए वो काम हम कर देंगे, वो बुलाए तो मारने के लिए। कृष्ण ने देखा तो ज्यादा ही बोल रहा है, कृष्ण देखा ये कौन है जो तृतीया युग में माता सीता के ऊपर जो अंगुल उठाया था जो धोबी, अब पता है जैसे माता सीता के ऊपर बोले 1 साल तक कहां उठा करके रावण ने ले दिया, और आए तो अपना सिंहासन पर उन्हें स्थान दे दिया, पूरा अयोध्या में घर घर में ये बदनामी भगवान को हो गया था, लेकिन रावण ने सीता को देखा ही नहीं, उठा करके क्या ले जाएगा, वो तो माँ लक्ष्मी जगदम्बा जगत जननी है, कहते अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, कहां ये दिव्य लक्ष्मी इनको कहां उठा कर ले सकता है, वो तो छाया सीता को लेकर गई। बोले यही दुष्ट है जिसने माता सीता का नाम पर कलंक उन्होंने खिलाया था, ए कृष्ण मारे एक थप्पड़ मारे ना शरीर से शरीर अलग हो गया। बोले भैया इनके हाथ में कोई अस्त्र पीट करके रखा गया, एक थप्पड़ से शरीर अलग हो गया। बोले भैया वही पुतना को मारने वाले अघासुर को भागो, सारे कपड़ा फेंके भाग गए। कृष्ण ने कहा सखाओ अपना मन मर्जी वस्त्र उठाओ, लेकिन सखा तो छोटे और कंस तो इतना बड़ा शरीर,
जब उसको पहन करके चलने लगा ना, रोड साफ होना शुरू हो गया। बोले कन्हैया ये अच्छे नहीं लग रहा है, देखो कितने आगे गए। एक दर्जी को देखा, वो दर्जी को पास में बहुत सारे दर्जी काम कर रहे थे। बोले हमारी सखाओं के लिए थोड़ा बस्तर ठीक कर दो। बोले क्यों नहीं। बस उन्हें फटाफट काट करके साइज का लिया, बड़ी सुंदर उन्होंने सिलाई कर दिया। भगवान आशीर्वाद दिया, भैया तू फलते फूलते रहो, हमारी सेवा की। अभी भी दर्जी लोगों को देखो, कोई भी साधारण कोई कपड़ा ले जाओ ना, 200-300-500 रुपया से नीचे कम बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनको बड़े ठाकुर का आशीर्वाद है ना। ठाकुर बर देकर गए, आशीर्वाद तो फले आई। आगे गए, आगे गए तो बोले कन्हैया थोड़ी माला की व्यवस्था हो जाएगा अच्छा लगेगा। आगे उन्होंने सुदामा जी को ऊपर में माला करके उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने सखाओं को बड़े सुंदर माला पहना दिया। बोले कन्हैया एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की। बोले भैया थोड़ा चंदन की व्यवस्था थोड़ा तिलक हो जाए। देखो यहाँ पर सिखा देते हैं, अगर हमने सब कुछ शरीर में श्रृंगार किया, अगर तुम्हारी ललाट में तिलक नहीं है ना, हमारा शास्त्र कहता है वो शमशान है, वो शमशान भूमि है। इसलिए वैष्णव का सर्वश्रेष्ठ पहला कर्तव्य नहा करके सबसे पहले तिलक लगाओ। तिलक कैसे उर्ध्व पुंड्र, ऐसे ने मन माने ठोपा लगा दिया, बूंद लगा दिया, नहीं तो घूमते रहोगे संसार में। बूंद नहीं लगानी चाहिए। भगवान जैसे कृष्ण जैसे तिलक लगा, हमारे भगवान राम नारायण हनुमान जैसे तिलक लगा, वैष्णव तिलक है। कहते उर्ध्व नयति इति उर्ध्व पुंड्र, जो हमें ऊपर ले जाए, इसलिए हम तिलक को इसको उर्ध्व पुंड्र कहते हैं। इसलिए वहां पर बताए त्रिपुंड का क्या मतलब, कुंदु का क्या मतलब, और उर्ध्व पुंड्र कहते हैं कि इसको तिलक का कितने डेफिनेशन दिया है। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं गोपियों की चरण धूलि है, ये द्वारका से ब्रज रज है, भगवान भी इसी रज को सर पर धारण करते हैं। हमारी बात छोड़ दो, इसलिए बोले देखना जैसे कहीं पुजारी पूजा कराने के लिए आए, अगर तुम्हारी तिलक नहीं तो पूजा नहीं कराता है। इसका मतलब है अगर बगैर तिलक के कोई पूजा करता है इसका पूजा निष्फल है, उसको पूजा की कोई फल नहीं मिलेगा हैं। इसलिए शास्त्र में बताया वैसे पूजा करने पर थोड़ी से फल मिलेगा, लेकिन जो फल मिलेगा जो तिलक धारण करते हुए पूजा करता है उसको 1000 गुण ज्यादा फल मिलता है। पुराण में श्लोक आया है जो तिलक धारण किया है उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सीता लक्ष्मी सबके सब उसको शरीर में तिलक रूप में निवास करते हैं। तभी तो हमारी बांके बिहारी कृष्ण तिलक क्यों लगाते हैं, ठाकुर क्यों तिलक में नहीं आता तिलक लगाने में, हमें क्यों शर्म आएगी। इसलिए भैया शर्म नहीं करना चाहिए, जरूर ये उर्ध्व पुंड्र तिलक लगाओ। इसलिए सखा लोग कह रहे बोले कन्हैया हर चीज तो हो गई, अभी एक चीज की कसर रह गई। बोले कि स्थिति बोले तिलक वहां पर आगे देखा खूब जा वो जा रही थी कंस को श्रृंगार करने के लिए। इतने में कृष्ण बोले ओ सुंदरी सुंदरी, कुब्जा बोली सुंदरी बोल करके मेरे को कौन बुला रही है, क्योंकि वो तीन जगह से कुबड़ थी। कहते ऐसे कुबड़ी थी उसको देखते ही ना सब बच्चे भाग जाते थे, लेकिन यहाँ कह रहे कोई सुंदरी कह रहे हैं, ये सुंदरी बोलने वाले कौन है, हैं? क्योंकि रामलीला में ये कौन थी सुपर्णखा थी, जब भगवान राम गए थे वनवास में यही आ करके प्रभु से बोले मैं जैसे सुंदरी ठाकुर तुम्हें भी वैसे सुंदर बनाया इसलिए मेरे से ब्याह कर दो। लेकिन लक्ष्मण ने इस पर नाकान काट कर छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि भगवान को हृदय में बैठा चुकी थी वही कुब्जा बन करके आई। बोले ये कुबड़ी क्यों बन करके आई, बोले ये पृथ्वी स्वरूप ये कुबड़ी कुब्जा है, लेकिन कंस इसको पर मथुरा में अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार से ही ये कुबड़ी बनी हुई थी। लेकिन भगवान जब गए बोले हम लोगों को थोड़ी सी चंदन की श्रृंगार करोगे, ठाकुर को देख करके मुक्त हो गए। सुंदर सुंदर सखाओं को कृष्ण बलराम को इतने सुंदर उन्होंने श्रृंगार की चंदन की। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया तू तो केवल लेनो ही लेने जान, तो देना तक भी सीखा नहीं। बोले किस चीज की, बोले देख ये तीन जगह से टेढ़ी, बोले जोड़ी तो बढ़िया, मैं भी टेढ़ा हूँ ये भी टेढ़ी है, टेढ़ा टेढ़ी तो जोड़ी अच्छी है। बोले कन्हैया थोड़ी सी सीधा कर दो। इतने में कृष्ण एक प्यार में एक प्यार रखे, कमर में एक हाथ और होंठ में एक हाथ दे करके ऐसे एक झटका मारना सीधा सटका कर दी। अरे इतना एकदम प्लास्टिक सर्जरी कर दिए पूरा कुब्जा को, भगवान के हाथ का स्पर्श से वो इतनी सुंदरी हो गई, अपना रूप जगवन को देख करके
खुद को काम को संभाल नहीं पाई, उन्होंने कृष्ण की दुपट्टा पकड़ लिया, बोले कृष्ण ये सुंदर आप ही दिए हो, आप किसी को आप ही भोग कर सकते हो। बोले तेरे शर्म नहीं लग रहा, ये जेठ सामने खड़े और कपड़ा पकड़ कर खींच रहे हो, अरे दाऊ भैया पर खड़े है ना। बोले देखो पहले कंस को कल्याण करके फिर तुम्हारे घर में आऊंगा। जब कृष्ण आगे गए वो धनुष, वो जो धनुष है किसका धनुष, बोले परशुराम का धनुष। जिस समय कंस विजय कर रहा था, करते करते उन्होंने पहुंचे परशुराम के पास में, बोले मेरे साथ में दो हाथ कर लो। परशुराम बोले तू मेरे साथ में युद्ध क्या करोगे, मेरे धनुष को तू उठा करके दिखा दे। सचमुच से कंस इतना पराक्रमी था, भगवान के धनुष को उसने उठा लिया। परशुराम मान गए, बोले ले ये धनुष ले जा, लेकिन याद करना ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, सावधानी से इस पर क्या करना। इसलिए कंस बड़े सावधानी से वहां पर बड़े बड़े पहरादार पहलवान लगे हुए थे, लेकिन कृष्ण बलराम जब वहां पर गए, इतने में कृष्ण ने कहा दाऊ थोड़ी अंदर में जाऊं, वो धनुष था अंदर में जिसको 400 व्यक्ति उठाते थे, मैं थोड़ा अंदर में जाकर के धनुष को उठा करके देखूं। अभी 10.5 साल का बच्चा कितने छोटे छोटे होते हैं। इतने में वहां पर जो पहलवान थे ना, बोले देखो कैसे पागली का बात कर रहे, जिसको 400 व्यक्ति उठाते हैं ये कहते हैं हम उसको उठा करके दिखाए। कृष्ण तो एकदम कूद पड़े अंदर में देखते देखते, और उन्होंने जैसे भगवान राम जैसे सीम धनुष को उठा दिया था, कृष्ण भी ऐसे उन्होंने धनुष को उठा दिया। जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, इतने में वो दो टुकड़े हो गए। इतने जोर से आवाज आई सारा मथुरा में एकदम धड़कम बच गया सारे मथुरा में। इतने में बोले भैया इसको पकड़ो मारो। इतने में कृष्ण ने कहा दाऊ हम तो बिना, क्योंकि ब्रज में रहते हुए कोई अस्त्र नहीं, बंसुरी और श्रृंगा हम तो कोई अस्त्र लाए नहीं। बोल लो तू भी एक टुकड़ा पकड़, मैं भी एक टुकड़ा पकड़ता हूँ। ऐसे ठोकाई करना सूर की, ऐसे पीटे ना, वहां भगदड़ मच गया, सब प्राण लेकर भागे वहां से जा करके कंस को बोले कंस कृष्ण बलराम, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। उसको परशुराम की याद आई, परशुराम ने कहा था इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। बोले हे भगवान नारद जी को तो गाली देने लग गए, ये नारद जी बड़े दुष्ट हैं, मैं ठीक से रह रहा था। बोले कृष्ण बलराम को बुलाओ मारो। हे भगवान लगता है मैं मरने वाला, रात को सोया तो नींद नहीं आई इसको, डर के मारे और उस स्वप्न में बुरी बुरी स्वप्न देखे, चले तो परछाई में छेद दिखता है, देखता है गधे के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा पर जा रहा है, और देखता जब शीशा देखता शरीर नहीं दिखता है, ये सब के सब मृत्यु की चिन्ह है। कंस ने कहा कल चारों मुष्टि और सल तो सलों के साथ में कृष्ण बलराम के मल्ल युद्ध होगा, और मेरे जो सिंहासन थोड़ी सी ऊंचा करके बनाओ जैसे कृष्ण बलराम नहीं आ पाए। और जब कृष्ण बलराम दोनों आए, अभी भी मथुरा में होली गेट है, वहीं पर उन्होंने कुबले हाथी को शराब पिला कर रखा था, वो बड़ा भयंकर हाथी था कुबले हाथी, बोले अगर यहाँ से बच जाएगा तो आगे आएगा, लेकिन वहीं पर कृष्ण बलराम उसको दोनों दांत को पकड़ कर उन्हें उखाड़ लिया, उखाड़ करके दांत से ही मार मार कर कुबले हाथी को वहीं पर खत्म कर दी। और जब रंगशाला में आए, जिनकी भावना रही जैसी हरी मूरत देखी तिनी तैसी, माताएं क्या देख रही थी, अभी उसका दूध दांत ही नहीं टूटा, स्त्रियां क्या देख रही थी, ये तो सख्यात काम दे, कंस क्या देख रहा था, ये सख्यात काल, जितने सब के सब जोधा थे बोले वज्र जैसे, ऋषि मुनि लोग देख रहे थे यही परतत्व है, इसलिए सब लोग उसको अलग अलग रूप में दर्शन कर रहे थे। इतने में कंस ने कहा कृष्ण बलराम आज तुम्हारी ये चारों मुष्टि को साथ में मल्ल युद्ध होगा। कृष्ण बोले क्या युद्ध बराबर से आपको साथ में होता है, अभी हम 10.5 साल के, और जो चारों मुष्टि एकदम पहाड़ जैसे क्या शरीर बना हुआ था उनकी, विशाल काय शरीर। इतने में बोले हम तो बच्चे हैं अभी, सब लोग अन्याय अन्याय कर रहे थे। कंस ने कहा तू बच्चा, इतने अघास रूप अघास रूप पछाड़ दिया, गिरिराज उठाया देखते देखते तुमने धनुष तोड़ दिए, अभी कुबले हाथी को मार डाले, बोले बच्चे हो बच्चे नहीं बलिनाम बलम तुम हो,
बोले भैया जोर जबरदस्ती करोगे तो बचाने के लिए तो कोशिश ही करेंगे। वहां से देखते देखते कृष्ण बलराम एकदम मैदान में कूद गए और चारों मुष्टि को साथ में हाथ में हाथी छाती में छाती जंगे में जंगे क्या कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे थे। दुनिया देख देख रहे हैरान हो रहे थे क्या युद्ध है। देखते देखते इतने में कृष्ण ने क्या किया चारणों को उनने धोबी पछाड़ जानते हो धोबी जैसे कपड़े को ऐसे पकड़े करके ना ऐसे मारता है एक धोबी पछाड़ मारते हो इसके राम राम सत्य हो गया। बलदेव प्रभु ने पूछा भैया तेरा नाम क्या बोले मुष्टि। बलदेव प्रभु उठाया अपना मुष्टि एक मारे मुख का वहां पर छक्का छुड़ा दिए हैं। बोले बाबा इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े पहलवान को देखते देखते इतने में साल तो सल आ गए उनको भी देखते देखते वहां पर मार डाले। और इतने पहलवान फैले ना बोले भैया जल्दी भागो यहाँ से क्योंकि बच्चे रहेंगे तो कहीं पर चौकीदार करके पेट भाग सकते हैं। हमारे जो खलीफा थे लीडर थे जब उनकी ये दस्ता हम क्या सब भाग गए वहां से। कंस तो देख देख करके बोल रहा था देखो कि वसुदेव को कारागार में बंद करो नंद बाबा को इनको मारो। बोले मामा जी बड़े उच्च आसन पर बैठ करके हाथ हिला हिला करके बात कर रहे हो। कृष्ण एक छलांग लगाए तो सीधा ऊपर पहुंच गए। बोला ये कहां से आ गया। देखते देखते उन्होंने पकड़े उनको चोटी। बोले मामा याद है आपने मेरे पिता माता को अपने जेल में बंद किया आपने मेरे मैया का चोटी आपने पकड़ा था। जो लोग ये स्त्रियों को ऊपर अत्याचार करता है उसको मैंने दंड देने के लिए मैं आ गया। एक चोटी पकड़े झांग जोर कर नीचे उन्होंने गिराए। ऐसे नीचे गिरते गिरते ना पूरा नीचे आकर गिरे तो अपना राम नाम सत्य हो गया। कृष्ण उनको ऊपर में आकर गिरे। इतने में उनका दो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति वो आकर के रोने लग गए। कृष्ण भी ऊपर से थक रोए। बोले मामी मामी मामा मेरे कितने अच्छे थे मैं तो मामा से ऊपर मिलने के लिए आया था मेरे को क्या पता था मामा इतने जल्दीबाजी करेंगे। अच्छा हो गया मामा नीचे और मैं ऊपर आ गया। अगर मैं नीचे आ जाता ना मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। कृष्ण थोड़ा बहाना दिखाए और उसमें वहां पर कंस खा रहे कहते जहां पर उन्हें घिसड़ घिसड़ ले गए और ध्रुव टीला जहाँ पर वहीं पर उन्होंने संस्कार किया और उन्होंने विश्राम घाट में उन्होंने गतश्रम टीला वहीं पर उन्होंने विश्राम किया है उस स्थान का नाम पड़ गया विश्राम घाट पड़ गया। बोले श्री विश्राम घाट की और वहीं पर उन्होंने विश्राम की थी। इसलिए शास्त्र कहता है अगर जीवन में एक बार कोई विश्राम घाट में जाए वहां पर स्नान करे हैं वहां पर कोई स्नान करे कहते सारा हम जो अनंत काल से भगवान को भूल करके जो 14 ब्रह्मांड 84 लख जनी में भ्रमण करते हैं हमारे चिरकाल के लिए हमारे भी विश्राम ठाकुर के चरण में होगा। और वहां का एक विशेष महत्व है और भातृद्वितीय आएगा ना भाई दूज वहां पर अगर भाई बहन दोनों अगर हाथ पकड़ कर कोई यमुना में वहीं पर स्नान करे कहते उनको कभी ये नरक नहीं जाएंगे। ये स्वयं यमुना जब महाराज की बहन उन्होंने वरदान मांगे बोले भैया एक दिन उन्होंने जैसे बहन लोग राखी बांधते ना भैया बाद में जब उन्होंने राखी बांधी बोले बहन आज तो जो कुछ मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयारी। बोले भैया मेरे को एक ही वर दो अगर भाई बहन मिल करके विश्राम घाट में एक बार अगर कोई स्नान करे तो जैसे कभी जमपुरी में नहीं जाए। इसलिए भातृ द्वितीया को दिन विश्राम घाट में बड़ी भीड़ कहीं भी स्नान कर लाभ लेकिन वहां स्नान करने का विशेष लाभ है। बोले श्री विश्राम घाट की। इतने में जब पता चला किसको अस्थि प्राप्ति ने जाकर के उन्होंने अपना पिताजी को उन्होंने ये सारे बात को बताए। इसलिए जरासंध ने उन्होंने 70 बार उन्होंने आक्रमण किया लेकिन भगवान बैठ बैठ करके सारे तत्व को मारे। जब उन्होंने 18 बार में आक्रमण की भगवान राम छोड़ करके चले गए। इसलिए ठाकुर का एक नाम भी पड़ गया रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की। बोले अभी तक ठाकुर जी की शादी नहीं हुई है अभी कृष्ण सोच रहे हैं पहले तो ताऊ भैया की शादी हो जाए। मैं तो छोटा हूँ क्योंकि मैं तो एक दो शादी करूंगा नहीं मेरे तो 16108 के साथ में शादी होने वाले थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रेवती उस अख्यात लक्ष्मी ठाकुरानी। इन्होंने एक समय इनके पिताजी ब्रह्मलोक में लेकर गए ब्रह्मा जी को
पूछने के लिए मेरी बेटी के उपयुक्त पति कौन है। लेकिन ब्रह्मा उसी समय कौन काम में बिजी थे। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकले, बोले बताओ ये बेटी की हम किसको साथ में शादी कराए, बोले देखो तुम लोग आए थे सत्य युग में। लेकिन ब्रह्मा लोक का समय इधर का समय में बहुत फर्क है। लेकिन थोड़ी समय जो यहाँ इंतजार की ना, ये मरते जगत में सत्य लोग भी गया, त्रेता युग भी गया, द्वापर युग भी बीत गया। लेकिन अभी द्वापर के अंत में भगवान विष्णु स्वयं ये अनंत देव से बलदेव प्रभु रूप में आए। ऐसा क्या भगवान है? इसलिए वसुदेव का बेटा उनको साथ में शादी करा दो। उनने जब उनको साथ में शादी कराया ना, कहा रेवती मैया तो ताल के पेड़ जैसे, और श्री बलदेव प्रभु उनकी जैसे घुटन तक। अभी सखाओं ने खिली उड़ाए, बोले बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती है। बोले भैया अभी शादी की देर नहीं भाई, हमको इधर आ जा प्रभु। इसलिए हमको उन्होंने हंसी दिल्लगी करना शुरू कर दी, हंसी दिल्लगी कर रहे हैं। इतने में बलदेव प्रभु रेवती के कंधे पर उन्होंने हाल को लगाया और उन्हें धीरे 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 उन्हें खेचते खेचते जब कंधे तक ले आए ना, देखा जोड़ी बड़ी प्यारी है, बस उन्हें छोड़ दिए। बोलते रेवती रामायण भगवान की जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी। कृष्ण रुक्मिणी बनाया कोई बच्चा, उनको बना दो, जाओ जो बच्चों को जाओ बना दो, 10 मिनट में तैयारी कर दो, उनको हम बुला लेंगे। देखो कहते श्री एकादश स्कंध में, हाँ हरे कृष्ण, जो एकादश स्कंध है ये भगवत प्राप्ति कैसे हमारी होगी, ये एकादश स्कंध में ये कथा आती है। अभी तक दशम स्कंध तक भगवान की सुंदर सुंदर हमने लीला सुन लिया। अभी भगवत प्राप्ति कैसे होगी। एक समय श्री नेमी महाराज का दरबार में श्री नव जोगेंद्र आए, तो उन्हें नव जोगेंद्र को उन्होंने नॉट उन्होंने प्रश्न किया था। बोले एक समय श्री वसुदेव महाराज बहुत बड़े द्वारका में यज्ञ कर रहे थे, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। हमारे देश में शांति कैसे होगी, नियम होता है जब तक ये पूर्णा होते नहीं होना तब तक यज्ञ बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब यज्ञ हो रही थी, ठीक इसकी बीच में देखा एक ज्योति को उतरते हुए आते हुए। बोले भैया ये ज्योति कहाँ से आ रही। जब नीचे उतरा देखा कोई एक इंसान। लेकिन जब एकदम निकट में आ गए ना, बोले ये इंसान नहीं सिर्फ नारद जी है। वसुदेव महाराज प्रसन्न हो गए नारद जी को देख करके, और खड़े होकर बोले भैया यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ जो काम के लिए कर रहे थे तो साक्षात रूप में प्रकट हो गई। इसलिए जो सिंहासन में भगवान बैठते हैं उसी में नारद जी को बैठाए, उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, चरणामृत को संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में उन्होंने छिड़काव करवाया। छिड़काव करके तब उनके चरण में बैठ करके कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम, एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है क्योंकि 84 लाख भ्रम के ये नर तनु देही 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर मिलता। एक तो मानव शरीर दुर्लभ, लेकिन उसमें दुर्लभ क्या है, बोले तत्रापि दुर्लभ बने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते उससे ज्यादा दुर्लभ है भक्तों का दर्शन है, क्योंकि जब तक भक्तों की कृपा नहीं होना भैया जीव का कल्याण कहीं नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु और कृष्ण कृपा से कहीं संत दर्शन मिलता है। और जीवन में जब कोई संत दर्शन मिल जाए ना, समझना बड़ा पार है। इसलिए श्री हनुमान जी को साथ में जब विभीषण की साक्षात्कार हुई, विभीषण को जब पता चला हनुमान जी राम के एकांत भक्त हो, क्या कहते हैं, कहते आज मैं भा भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिलई नहीं संता। लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई कृपा हो गई जो हमें संत भगवान के सबसे प्यारे श्री
हनुमान जी मिल गए सचमुच भगवत प्राप्ति हो गई। हनुमान से मिले मुलाकात हुई तब तो राम का दर्शन मिला है ना, नहीं तो दर्शन कहाँ मिलता। इसलिए जब यहाँ नारद ऋषि आ गए उन्होंने यज्ञ बंद कर दिए, बोले सारे यज्ञ का जो फल है ना ये संत दर्शन है। अगर जीवन में हमने सब कुछ कर दिया लेकिन किसी शुद्ध संतों के दर्शन नहीं मिला तो शास्त्र में कहता है भैया तुम्हारे कल्याण वाले बात नहीं। बोले साधु दर्शन कब मिलता है, बोले भवा अपभर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अच्युत सत समागम। ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि भ्रमण करते करते जीव का जब संसार बंधन से मुक्ति की समय आती है तहीर अच्युत सत समागम तभी जाकर के भक्त दर्शन होता है। जब भक्त दर्शन हो गया समझो भगवत दर्शन में और कोई बाकी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मानव शरीर से भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्व है संत दर्शन है। इसलिए उन्होंने सारे यज्ञ को उन्होंने बंद करवा दिया। यज्ञ बंद करते हुए तो उनके चरण में स्वयं देव की वसुदेव कृष्ण बलराम महेश सबके सब उनके चरण में बैठ जाते हैं। बैठ करके उनको प्रश्न करते हैं, इनका प्रश्न किया है आत्मा को शांति कैसे मिले। हम जो कुछ करते हैं एक ही उद्देश्य है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो इसका उत्तर में श्री नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले भयम द्वितीयाभिनिवेशत विपर्जय स्मृति। यहाँ पर कहते हैं अशांति का कारण क्या है, बोले अशांति का केवल एक ही कारण है हमने भगवान को भूल गए। कृष्ण भूल सही जीव अनादि बहिर्मुख, सारे जड़ का यही है काम। हम अमृतस्य पुत्र भगवान की संतान, भगवान के सारे प्रेम में हमारे अधिकार है लेकिन हम क्या हुआ अभी जो असली पिता जो भगवान है उसका हमने भूल गए। भूल करके क्या हुआ ये शरीर में आसक्ति होकर के ये संसार में आकर के बात इसमें लटर बटर हो रही। इसलिए इस सारे दुख का जड़ भगवान के भूलने का वजह से। पर शांति कैसे मिलेगी, तब भी मिलेगी गुरुदेव तात्मा, पहले किसी सद्गुरु की चरण में हमें शरण ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि गुरु जी के बगैर जीव का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवन तरह न कोई जो बिरिचि शंकर सम होई। ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ ज्ञानी लेकिन अगर कोई सद्गुरु का शरण नहीं लेते हैं भैया संसार से कोई पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले गुरु जी की शरण में जानी चाहिए, उनको ही अपना जीवन का सर्वज समझ करके गुरु जी के चरण में शरणागत होकर के फिर भगवान की भक्ति करो। आप बोलोगे भैया भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है, तो वहां पर उदाहरण देते हैं भक्ति सबसे सरल है, इससे सरल और कुछ भी नहीं जगत में सबसे सरल भगवान की भक्ति। मतलब भक्ति कहते हैं कि इसको मेरे तरफ में देखो, भक्ति कहते हैं किसको, जैसे यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ ना यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दिया यही भक्ति और कोई भक्ति नहीं। बोले इसका मतलब क्या है किसी चीज को तुम्हें कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज भगवान की भक्ति में जोड़ लो, सब चीज जोड़ लो, छोड़ने का कोई चीज नहीं। कोई कहना काम छोड़ो लोभ छोड़ो मोह छोड़ो, बोले नहीं दिया किसने, ठाकुर को दिया, काम किसने दिया, ठाकुर ने दिया है ना। गोपियों के अंदर में कामना वासना थी तब तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया, अगर काम नहीं होता तो कृष्ण को मिलते नहीं। लोभ, अगर आप लोगों के अंदर में लोभ नहीं होता यहाँ आकर बैठते 3-3 घंटा थोड़ी। कहते लोभ कहाँ पर लगा, बोले साधु संघ में है, बोले मोह बोले भगवान की गुणगान में है, काम क्रोध लोभ मोह मदम आक्षेप। इसलिए कहते सारे चीजों को क्या करो भगवान की भजन में लगा दो, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, देखो क्या उदाहरण देते हैं। बोले एक व्यक्ति बहुत घी पीता था, घी पी बगैर उनको काम नहीं चलता पर अच्छा लगता है, लेकिन ये पी भी कर उसका पेट हो गया पतला, अभी पेट में घी बचता नहीं, बड़ा परेशानी। किसी अच्छे वैद्य को पास में गए, बोले डॉक्टर जी मेरे को घी पीना बहुत अच्छा लगता है लेकिन पी पी कर पेट अभी पतला हो रहा है, हजम नहीं हो रहा, लेकिन घी नहीं छूटेगा, घी तक खाऊंगा, ये घी खा बगैर रह नहीं सकता, लेकिन मेरे को ऐसे कुछ दवा दो जैसे तबीयत सही हो जाए। बोले देख बेटा तेरे को मैं पुड़िया देता हूँ, अभी जैसे पहले घी डायरेक्ट पी लेता था
अभी घी को ऐसे पिला नहीं, वो पुड़िया को साथ में घी को मिला देना और उसको चाट चाट कर खाना। लेकिन जो पुड़िया में है ना खट्टा नमकीन मिर्च ये सब चीज था, अभी जब उसने घी में मिला करके चाट करके खाता है मुंह में लाल निकलता है। जब लाल निकलता जो घी डायरेक्ट पीता था इसलिए हजम नहीं होता था, अभी तो उसने क्या हो गया वो लाल निकलता है जब चाट करके खाता है ना, जो उसका शरीर अपच काम करता था अभी पचना का काम शुरू कर दिया, वो हेल्थ बढ़िया हो गया। बोले भैया ये घी किया और ये पुड़िया किया, बोले घी ये कर्म, हम संसार में क्यों संसार में भटक रहे हैं कारण क्या है, बोले इसी जीवन में जो कर्म करते हैं ये शरीर को मैं मेरा मान करके जो कर्म करते हैं इसी का ही फल स्वरूप है, इसी जीवन का कर्म लेकर दूसरे जीवन, दूसरे जीवन का कर्म लेकर तीसरे जीवन, हम ऐसे ही संसार चक्र में भटक रहे हैं, ये कर्म के चक्र में भटक रहे हैं। और कर्म का फल संसार में आओ जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि ये सब दुख कष्ट भोगना पड़ेगा संसार में आओ हैं, ये फकीरी से लेकर के अमीर तक सबको ये संसार का दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसका तन की कष्ट नहीं हो, मन की कष्ट नहीं हो, परिवार की कष्ट नहीं हो, कोई पत्नी से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, सबको पूछ लो, ऊपर पूछो कैसे हो, मुंडी हिलाएंगे ठीक ठाक है, अंदर की बात कुछ अंदर में आग जल रही है, सभी को आग जल रही है अंदर के अंदर में, इसलिए इस सारे दुख का कारण कर्म है। लेकिन उसमें पुड़िया मिला दो, यही घी है, अब ये अपच हो गया मतलब दुख कष्ट भोग कर दे, उनके पुड़िया देता हूँ ये पुड़िया उसमें मिला दो। बोले भैया ये पुड़िया किस चीज की, बोले प्रेम और भक्ति की पुड़िया, ये भक्ति की पुड़िया, ये पुड़िया को मिला दो, मतलब खूब पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कभी ठाकुर का सेवा कैसे होगा, वो तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी हो तो हमारे अशोक प्रमुख तो हम तो कथा करवा रहे हैं, तो कथा कहाँ से करवा रहे, ये कथा कहाँ से लिए, पैसा जरूरत लेकिन पैसा लक्ष्मी, पैसा को कमाओ लेकिन पहले याद रखो ये लक्ष्मी तुम्हारी है नहीं, ये लक्ष्मी कृष्ण की नारायण की वाक्य प्यार की, वो अगर वो लक्ष्मी कमा करके ठाकुर को भोग लगा रहे हो, ठाकुर जी को सेवा में लगा रहे हो, फिर तो क्या हो गया आपको पुड़िया मिल गई। लेकिन अगर पैसा कमा रहे हो मैं खाऊंगा मेरी बीवी बच्चे खाएंगे फिर तो माया है। इसलिए गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण दिया, वो कहते हैं राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। उन्होंने उदाहरण देकर बताए जैसे एक रंकर के सिद्धार्थ में सुना दो देखना झट दस गुण हो गया दस, और एक जीरो दो हो गया सौ दस गुण बन गया, एक जीरो दो हो गया हजार, जैसे एक रख करके एक एक जीरो देने पर वो दस दस गुण बढ़ रहा है, अगर एक हटा दो जीरो दो जीरो दो वो जीरो जीरो ही है, तभी वो जीरो किया और एक किया, बोले जो एक है भगवान की भक्ति, बोले ये जीरो किया, बोले संसार तुम्हारी जीरो है, आज है कल नहीं, कोरोना में कितने लोग गए कहाँ गए सबके सब, अगर होते तो हमारे पिताजी के पिताजी गए कहाँ, ये सब झूठा संसार है, ये धर्मशाला की परिचय है, जैसे कि धर्मशाला में रुको रात में खूब गप्पे मारे सवेरे गए, हम गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं, तू मेरी बीबी मैं तेरा पति, तू मेरा बेटा मैं तेरे मैया हूँ, ये सब गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं, जिसका समय आगा यहाँ से उतरना पड़ेगा, ये संसार जीरो है किस कोई किसी का है नहीं, इसलिए संसार मतलब क्या हर समय हमसे जो अलग अलग होते जा रहे हैं, लेकिन ये जीरो हीरो बन सकता है बल्कि कब जब भगवान की भक्ति में लग जाए, रसोई बनाओ रोज रोज बढ़िया बढ़िया क्यों ठाकुर को भोग लग गया, सुंदर घर बनाओ पहले तो ठाकुर जी के लिए कहाँ घर, ठाकुर जी को कहाँ स्थापन करके पहले देखो, लेकिन कभी कभी डग के लिए तो घर बना देते लेकिन गढ़ के लिए घर नहीं, घर में कभी कुत्ते को तो पाल लेते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हैं, कभी बिल्ली को पाल लेते हैं लेकिन ठाकुर जैसे तैसे बैठो ही, और कुत्ते को बढ़िया भोजन करा रहे हो ठाकुर जी वैसे भूखे बने हुए, खुद प्याज लहसुन डाल डुल कर खा रहे हो ठाकुर जी को भूखे बना कर बैठे, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कुछ हम काम करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, सब कुछ काम काय मन वाक्य से करते हैं सारे काम को, लेकिन यही चीज को जो भगवान की सेवा में लगा दो बस मुक्ति का कारण बन गया। और क्या करो श्रीना न सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि च जानि लोके,
घर में रोज एक नियम बनाओ। बोले क्या नियम बनाओ? रामायण हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, रोज नियम करके पढ़ा करो घर में इसको रोज पढ़। क्योंकि जिस चीज को पढ़ेंगे, नहीं तो भगवान की कथा सुनो, क्योंकि जिनकी कथा जिस कथा सुनोगे ना सुनोगे उसको प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम आएगा। अगर इनकी कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान की कभी भगवान के प्रति तुम्हारे प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए जरूर घर में कथा होनी चाहिए, भगवान की कथा सुनो, उसे सही धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारी प्रेम बढ़ती है। रुक्मिणी जब भगवान के पास में पत्र लिखती है, क्या लिखती है? बोले कृष्णा आप भी मेरे को नहीं देखा, मैं भी आपको नहीं देखा हूं, लेकिन नारद जी को पास में तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे कण कण में आप बैठे हुए। इसलिए क्या करो, नित्य नियम करके एक समय हमारे जो गुरु जी भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, इनको पास में कोई आए, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता, ये घर घर की कहानी, बेटा बात नहीं सुनता। गुरु जी बोले बेटा कभी रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को भी बोला रामायण पढ़ने के लिए? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, रामायण नहीं पढ़ाएगा, वो बच्चा कैसे तुम्हारी सेवा कर सकता है? ये बात कहाँ बताया गया? बच्चों को पिता माता की सेवा करने के लिए कहाँ बताया? रामायण बताया है। प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज स्वयं किए हुए भगवान राम स्वयं चरण की सेवा करते थे, देखे ही नहीं? भगवान कितना साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए। किसके लिए? पिताजी की आदेश को पालन करने के लिए। पिताजी भी अब रामायण देखे होंगे, पिताजी मना कर रहे थे मत जाया करो, लेकिन उन्हें सौतली माँ कौन है कहके ही उसकी आदेश को पालन करने के लिए भगवान 14 साल वनवास गए। आप अपना बेटे को बोलो तो बेटा 14 दिन के लिए मेरा आदेश पालन करने के लिए कहीं जाएगा? वो 14 दिन के लिए तो हनीमून मनाने के लिए जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? रामायण गुरु जी कहते रामायण तुम नहीं पढ़े हो, बच्चे को तुमने स्मार्टफोन तो दे दिया, 10-20 हजार का स्मार्टफोन लेकर पबजी देखो, दिन भर जीवन को बर्बाद करो, लेकिन कभी भी बच्चे को तुमने रामायण पढ़ने की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव कहते थे इसलिए तुम्हारे घर बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो गया। गोविंद बोला हरि, आ गई लाइट। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हमारे हिंदुओं में बहुत सारी कमी चीज है। मैं एक बार जयपुर में कथा करने गया था, मैं जब वापस आ रहा था देखा एक 10 साल का बच्चा पतंग उड़ाते हुए। मैंने उससे पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? तो उसने जो नाम बताया ना मेरे को पता चला मुसलमान लड़का है। मैंने कहा बेटा तेरे को पुराण आती है? वो छाती फुला कर कहता है हाँ मेरे को पुराण आती है। बोले बोलो तो पुराण। उसने झटा झटा बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र से एक पुराण पढ़ाई जाती है? बोले हमारे धर्म में कंपलसरी जब बच्चे को 2 साल हो जाए ना उसको कंपलसरी उसको पुराण पढ़ाया जाते, कंपलसरी। अभी हम जम्मू कथा करने के लिए गए थे, जहाँ रुके हुए थे वो पास में कहीं एक मस्जिद था, उसमें माइक लगा हुआ था, हॉर्न लगा हुआ था। सवेरे 5 बजे हम देखते थे वहां पर मुसलमान का बच्चे लोग आकर के वो माइक में बोलते ना बच्चे लोग अपना पुराण जोर जोर से पढ़ रहे थे। सवेरे 5 बजे हमने देखा उनका पुराण सुनकर पहले हमारे नींद खुलती थी उनका। 5 बजे आकर के आप बताओ, आप लोगों को पता है क्या करते हैं? ये शुक्रवार का दिन दिल्ली में ये मुसलमान लोग अपना बच्चे को टोपी पहना करके ले आते हैं और मेन रोड को जाम कर देते हैं। इसलिए उनका धर्म का प्रति तीन उनकी दृढ़ता है। बताओ तो हमारे हिंदुओं में कौन अपना बच्चे को बोलते हो भैया तुम गीता पढ़ो रामायण पढ़ो? कोई बोलते हो? कोई नहीं बोलते। इसलिए हमारे धर्म क्या हो रहा है,
धीरे 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 हमारे धर्म धीरे धीरे नीचे जा रही, कमी हमारी अंदर में। गुरुदेव तो कहते थे पहला नंबर तो कमी पितामाता में है, कि खुद रामायण नहीं पढ़ते, खुद भागवत गीता पढ़ते नहीं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, खुद जब नहीं पढ़ोगे, खुद हरिनाम नहीं करते, खुद गले में कंठी नहीं, खुद ललाट में तिलक नहीं। पर जब खुद नहीं, कृष्ण को थोड़ी देर बाद मिले, कृष्ण माता जी ले जाओ, 5 मिनट बाद में उसको ले आना। और एक को कृष्ण कोई राधा रानी बनाए कि नहीं, रुक्मिणी बनी कि नहीं कोई, हाँ ये बच्चे को रुक्मिणी कोई बनी कि नहीं। इसलिए जो कमी है ना, ये सबके सब कमी हमारी अंदर में कमी है, इसलिए उसको बाद में बोले क्या करनी चाहिए। विशेष करके हमारी भगवान की जो नाम है ना, ये नाम का प्रति हमारी रुचि रहनी चाहिए। इसलिए कहते बोले एवं प्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा, कृष्णदास जी इसलोक जाकर रहना चाहते थे नाम में। इसलिए लास्ट में कहते हैं बोले एवं प्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग दुर्दचित उच्चैः। कहते जो भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर का नाम ही भागवत का सार है। अगर पूरी भागवत कथा श्रवण करते हुए अगर ठाकुर जी के नाम का प्रति हमारी श्रद्धा अगर रुचि हो गई थी, समझना पूरी भागवत कथा सुनना हमारी सार्थकता होगी। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी भागवत का जो पहला श्लोक शुरू करते हैं, वो भगवान के नाम से ही शुरू किया, और जब उन्होंने अंतिम श्लोकों को उन्होंने उपसंहार देते हैं, वो ठाकुर का नाम को द्वारा ही भागवत को समाप्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भागवत का उन्होंने एक अलग नाम दिया, नाम पूरा, मतलब भागवत में भगवत नाम की जितने महिमा बताई और कहीं भी इतना नाम की महिमा नहीं। अजामिल केवल अपना बेटा का नारायण नाम लेकर उद्धार हो गया। इसलिए भागवत का जो सार है, ये भगवत नाम ही भागवत का यही सार है। अगर पूरी भागवत समस्त शास्त्र पढ़ लिया, अगर भगवान के नाम में रुचि नहीं हुई तो समझना सब कुछ बेकार है। अगर हमने प्रभु का नाम के प्रति रुचि हो गई, समझना हमारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ हमारी पढ़ाई हो गई। इसलिए भगवत नाम में ही हमारी रुचि होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने प्रश्न की थी कलियुग में भगवान कौन है, कलियुग में ये कब की बात है, सत्ययुग की बात है, भगवान कलियुग में भगवान कौन है और उनको उनकी उपासना कैसे होगी। जब उन्होंने प्रश्न की तब वो कहते हैं बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः जयंति ही सुमेध। ये सत्ययुग की बात, अभी की बात नहीं, ये सत्ययुग की बात है। उसी समय में ही ये नव जोगेंद्र कह रहे हैं कलियुग का जो भगवान है बोले कृष्ण वर्णम, कृष्ण ये जो दो वर्ण है, हर समय जिसकी जिह्वा में हर समय जो कृष्ण कीर्तन करता है, हैं? इसलिए कृष्ण नाम जो करता है बोले तिस्वाम बा कृष्ण बा सुंदर, वर्ण मतलब सुंदर, इसलिए कृष्ण वर्ण जिसका रूप कृष्ण वर्ण है, कृष्ण मतलब एक अर्थ होता है सुंदर, बोले तिसाम अकृष्ण उनका जो शरीर का रंग कैसे, बोले अकृष्ण मतलब काला नहीं गौर वर्ण है, सब तिलकधारी कंठी मालाधारी। ये कौन सा ज्यादा संप्रदाय में देखोगे, ये महाप्रभु धारा में, कहीं भी गली में जाओ देखना तिलकधारी कंठीधारी सब माला लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हैं, क्योंकि ये महाप्रभु कलियुग में भगवान महाप्रभु बताए। बोले क्या वो अकेले आएंगे, बोले नहीं भगवान थोड़ी अकेले आते हैं, परिकर को साथ में सांग जो साक्षात नित्यानंद प्रभु बलदेव अद्वैत आचार्य महाविष्णु बोले उनका परिकर को लेकर के आएंगे। उनको कलियुग में शक्ति कौन, बोले गदाधर पंडित और ये श्रीवास आदि भक्तों को लेकर के। बोले कलियुग में उनका अस्त्र क्या होगा, बोले कलियुग का जो अस्त्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र ही अस्त्र। बोले भैया ये अस्त्र कैसे, अस्त्र से तो काटते हैं लेकिन वो कलियुग में जिसको मारेंगे नहीं, जैसे भगवान ने राम ने मारे कृष्ण मारे लेकिन महाप्रभु को देखो किसको मारे नहीं, लेकिन मारे तो ऊपर से नहीं अंदर से मारे, मतलब जीव का हृदय में
जो काम क्रोध लोभ मोह जो बैठा हुआ है महाप्रभु ने उसको मारे। बोले उनको मारे कैसे? बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम। जब ये हरि नाम कीर्तन करोगे ये चित्रूप जो दर्पण ये साफ हो जाएगी, संसार का सारे दुख कष्ट हो जाए मिट जाएगी, प्रति पद पद में अमृत को आस्वादन करेंगे। इसलिए कहते जो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे यज्ञ संकीर्तन प्रायरी, कहते जो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जजंती ही सुमेधस भगवान को आराधना करेंगे। इसलिए जिसको गोस्वामी कहते हैं कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर है प्रा, यही कलयुग का सार है भगवत नाम है। इसलिए अभी देखो ये जो भागवत कथा है, कहते ये भागवत कथा को जो हमारे जो आयोजन किए हैं, कहते हमारे श्री कौन है श्री अशोक क्या है चंद अशोक क्या टाइटल क्या टंडन टंडन अशोक टंडन प्रभु जी और इन्होंने और इनको जो धर्म पत्नी श्री राधा टंडन, इन्होंने अपना पूर्वजों को आत्मा को शांति मिले, पूर्वजों को आत्मा के कल्याण हो, इसलिए उन्होंने इनकी उद्देश्य में कहते इनके जो पिता माता है श्री सम श्री मुक्तेश्वरी कहते सम अशोक कुमार और शंभु शंभुश्वरी शंभुनाथ हाँ शंभुनाथ चंदन और श्री पत्नी का नाम मुक्तेश्वरी है हाँ। और इनकी जो राधा रानी की जो इनकी जो परिवार के जो पिताजी जय दयाल और श्री कृष्णा देवी हाँ। इन्होंने इनकी आत्मा को शांति प्राप्त कैसे हो, क्योंकि जब ये धुंधुकारी को कैसे उद्धार हुई, इतना बड़ा पापी था उद्धार कैसे हुई, जब उनको नाम पर गया में गोकर्ण ने पिंड दी देखा तभी उनको उद्धार नहीं हुआ। बोले मेरे नाम पर 100 बार पिंड दो तभी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उनको मुक्ति मिली कैसे? बोले ये श्रीमद् भागवत से। इसका तात्पर्य है अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई श्रवण करे जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो उसका पाप नष्ट होकर उसको भगवत गति भगवत चरण में उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए इन लोगों ने अपना पूर्वजों को आत्मा को शांति प्राप्त कराने के लिए भागवत कथा करवाई। और ये जो भागवत कथा है इसकी बड़ी महिमा है, भागवत कथा की महिमा जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए जिस समय में परीक्षित महाराज भगवत लोक की प्राप्त की, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी तराजू लेकर उन्हें नापे, एक तरफ में उन्होंने जगत का सारे सत्कर्म को रखे, दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा रखे, तो वो तो पत्थर के पत्थर से ही जमा रहा और जितने सारे सत्कर्म हल्का हो गई। इसलिए भागवत कथा के सामने ये स्वयं तेन अयन बांगमय मूर्ति कृष्ण स्वयं कलयुग में जीव की कल्याण करने के लिए ये शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत रूप में अवतीर्ण हुए। और हमारे श्री अशोक प्रभु जी राधा देवी दासी इन लोगों ने दिल खोल करके उन्होंने रोज रोज भक्तों के लिए जो कथा सुनने के लिए आए सभी के लिए हाथ में प्रसाद की व्यवस्था, आज भी बड़े सुंदर उन्होंने पनीर का सब्जी खीर और रसगुल्ले और महाप्रसाद की सब भक्तों के लिए उन्होंने सुंदर उन्होंने व्यवस्था किए है। इसलिए ठाकुर जी इनको भक्ति दे और ये दोनों पति पत्नी इसी मठ में ही निवास करते हैं, इसलिए आप इनके लिए खूब जोर जोर ताली बजाओ। और इनी कथा में हमारे साधु महाराज यहाँ है, हमारे मठ का जो इंचार्ज ये मेरे बड़े गुरु भाई है, इन्होंने तो 11 साल उम्र में ये मंदिर में आए और संपूर्ण जीवन को गुरु जी की सेवा करते हुए उनका उम्र करके 70 साल से ज्यादा करके 80 साल होने जा रहे हैं। उनने बचपन से उन्होंने खूब बचपन से आकर के गुरु वैष्णव की सेवा करते करते संपूर्ण ये जीवन को बिताए और ये मठ की इंचार्ज है और इनकी अधीन में ये मंदिर परिचालना होते हैं। इन्होंने हर तरह से उन्होंने ये भागवत कथा के लिए मदद किया और हमारे श्री और श्री शुभानंद प्रभु जी है कि शुभानंद प्रभु जी और उनके भैया भी है और मंदिर के जो सेवक लोग है
इन लोगों ने हर तरह से इन लोगों ने कोशिश किया जैसे कि कथा अच्छे तरह से हो, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और इन कथा में हमारे डोरीलाल प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी बड़े सुंदर उन्होंने भजन गाए, अभी भी बड़े सुंदर भजन गाएंगे, सबको नचाएंगे। इन्होंने भी बड़े सुंदर भजन गाए। हमारे श्रीदाम भैया गुरु जी के शिष्य है, इन्होंने भी बड़े सुंदर हमारे साथ में हर समय रहते हैं, ढोलकी बजाते हैं। और श्रीकांत तो प्रभु जी जो पेड़ में रहते हैं, हर समय हमारी हर तरह का सेवा में ये हर समय मदद करते हैं। और नेत्रपाल प्रभु जी, इन लोगों ने बड़े सुंदर इन लोगों ने हम साथ में हमारी संगत दी, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और इन्हीं कथाओं में जैसे हमारे यहाँ पर कुछ गुरु भाई लोग हमारे आए, और हमारे कुछ शिष्य लोग, कुछ गुरु भाई लोग, ये लोग भी हर तरह से इन लोगों ने कथा में आ करके अपना बहुमूल्य समय को भागवत कथा में दिए हैं, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और कथा में आप लोग जितने कथा सुन रहे हैं ना, आप लोग कौन हो बोले परीक्षित है, अगर सुखदेव गोस्वामी हो ही जाते, लेकिन अगर वहाँ परीक्षित नहीं होता ना, श्रोता अगर नहीं होता, श्रोता सब परीक्षित है, अगर इधर श्रोता नहीं होता, सब कुछ व्यवस्था होती, माइक की बजाने वाले गाने वाले सबके सब हो गए, लेकिन अगर श्रोता लोग नहीं होते फिर कथा क्या संभव था, नहीं है, इनके बगैर तो कुछ भी संभव नहीं। लेकिन आप लोगों ने बड़े कष्ट पूर्वक आए, कथा सुने, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। और हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर प्रसाद बना रहे हैं हमारे भक्त लोग हैं, आप उनके लिए भी जो प्रसाद बनाने वाले उनके लिए क्योंकि आप लोग बढ़िया भैया हैं, प्रसाद आप लोगों को देंगे। और हमारे माई वाले भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या ना? राकेश प्रभु जी, इन्होंने भी पहले आकर के हर तरह से व्यवस्था की, अच्छे माइक उन्होंने लगाए। अच्छा, आप इनके लिए भी अगर माइक नहीं होता तो हमारा गला ही फट जाता। इसलिए ये भागवत कथा में अगर कृष्णा किसी रूप में जो थोड़ी सी कोई मदद की है, और वो हमारे श्री अशोक प्रभु जी का जो परिवार के लोग जो यहाँ पर आए हैं, इनके परिवार से भी कौन कौन आए तुम्हारी, बोलो कौन कौन आए? हाँ, साले आए, और इसलिए इनके परिवार के लोग आए हैं। ठाकुर और सबको भक्ति दे, और सबको भगवान की प्रेम प्रदान करे, जीवन में सबको शांति सुख दे। और मैंने भी कोशिश की कथा सुनाने के लिए, मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। इसलिए मेरे को आप लोग आशीर्वाद दो, मेरे को आप लोग कृपा करो, जैसे सारा जीवन में गुरु वैष्णव की सेवा करते करते और आप लोगों की सेवा करते करते जैसे हमारे जीवन बीत जाए, आप लोग मेरे को ये आशीर्वाद देना, ठीक है? और हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी आ जाओ, नाम को बतला बोल, हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी आपको राधा कृष्ण आ गए, इधर इधर आ जाओ। क्या देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी सी देखो, ये कृष्ण रुक्मिणी आपके बाद में तो माला देते, कोई माला है शुभानंद प्रभु जी, शुभानंद प्रभु जी कोई माला है क्या? दो माला दे दो तो उनके हाथों में, कहाँ है ये माला? हरे कृष्णा, कल जो हमारी परिक्रमा, वहां से दो माला उतार कर, कल जो हमारी परिक्रमा है वो बैल वन की परिक्रमा है, इसलिए हम लोग जहाँ हमारे गोपीनाथ भवन हम वहीं से ही पार करेंगे, लेकिन थोड़ा सावधान से, इस बार पानी बहुत ज्यादा पानी है, अगर किसी तरह से नाव अगर इधर उधर हो गया ना भाई गड़बड़ी, इसलिए कोई भी, क्योंकि सबके सब पार इधर, दोनों का हाथ में दे, दोनों का हाथ में दो, हाथ में दे दो, इधर आ जाओ, इसलिए क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा पानी है, अगर थोड़ी इधर उधर का तो गड़बड़ी, सबको तो नाव वाला पार कराएगा, सबको तो नाव वाला ये पार कराएगा, लेकिन थोड़ी सी धीरज धारण करना, थोड़ी सी धीरज धारण करना, इसलिए अब लोग धीरज धारण करोगे तो धीरे धीरे सबके सब आप पार हो जाओगे। ये सुंदर गोपाल ओ हर हर फादर इज दर हट इज दिज नेम के फटो फट इज
निकोलाई। यहाँ पर हमारे एक मेरे शिष्य है, उनकी पिताजी का नाम निकोलाई थी, और जिन्होंने जिन्होंने बड़ी मेरी सेवा करती है, माता जी बड़ी मेरी सेवा करती हैं, इसलिए उनको भी आत्मा को शांति मिले। और एक ऑस्ट्रेलिया के एक अशोक कुमार पटेल, वो ऑस्ट्रेलिया के, वो भी चाहते थे वृंदावन में कहीं कथा हो, भागवत कथा हो मेरे, हाँ पर उनको भी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने भी यहाँ पर पट रखे हैं, अब इनके लिए भी जोरदार। यहाँ पर कृष्ण और ये भीष्मक राजा की ये बेटी है, रुक्मिणी है। इन्होंने बचपन से नारद जी को पता था, बचपन से नारद जी की पता था ये स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी, इसलिए उन्होंने आ करके बड़ी सुंदर सुंदर कथा रुक्मिणी की सुनाया करती थी, और कथा सुन सुन करके इनके कण कण में ही ठाकुर जी बैठ गए थे। बोले शादी करूंगी तो मैं द्वारकाधीश की शादी करूंगी, लेकिन उसको भैया रुक्मिणी बोले नहीं, कृष्ण ग्वाला वृंदावन में गैया चराता था, एक ग्वाला का साथ में मेरी बहन की शादी होगी, किसी राजा महाराज से शादी होगी। बोले किसको साथ में? बोले शिशुपाल को साथ में मेरी उनकी शादी होगी। इसलिए उन्होंने कृष्ण को पास में एक सुंदर पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को माध्यम से भेजा। कृष्ण पीली पत्र पा करके समझ गए कि प्रेम का पत्र। अभी कृष्ण रुक्मिणी रुक्मिणी कृष्ण कोई किसको देखे नहीं, लेकिन उसमें बता जाते प्रसाद भी इसलिए उन्होंने देखा जे कृष्ण, उन्होंने कोई किसको देखा नहीं, लेकिन केवल उनके पत्र को पढ़ करके कृष्ण संतुष्ट हो गए। क्यों? पत्र में इतने सुंदर शरणागति थी। बोले प्रभु जगत का सबसे सुंदर आप ही हो, विश्व ब्रह्मांड का मालिक आप हो, इसलिए ये जगत में कोई भी पति नहीं बन सकते। पति मतलब क्या? पा मतलब पालन करना, ती मतलब जो संसार से त्राण करते हैं। कौन पालन करते है, वो कौन त्राण करते? ठाकुर जी है। लेकिन जगत में जो स्त्रियां जिनको पति बोल करके शादी करती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में मांग भी मिट जाती, शंका भी टूट जाती। एक जीवन से नहीं, अनंत जीवन से स्त्री होने पर, पुरुष पुरुष होने पर स्त्री मिलता है, लेकिन हर जीवन में ये संबंध खत्म हो जाती है। बोले क्यों खत्म हो जाती है? जो परम पति जो भगवान है असली पति, हम उनको पति रूप में वर्णन नहीं करते हैं। इसलिए जब एक बार उनको कोई पति रूप में प्राप्त करे, जन्म मृत्यु संपूर्ण समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर पत्र लिखी। बोले हे प्रभु, जगत में सबके सब सियार है, आप सिंह हो, अगर ये सिंह का हिस्सा अगर सियार ले लिया तो ये सिंह का बदनाम है, लेकिन आप मेरे को उधार कैसे कर वो भी लिख दिए। बोले हमारी एक नीति है, शादी से पहले ये लड़की राजभवन से अपना माता देवी को पूजा करने के लिए जाते हैं, जब मैं जाऊंगी उसी समय अपना पराक्रम को दिखाना और मेरे को वहां से उधार करना। इसलिए जब रुक्मिणी जब जा रही थी देवी को पास में पूजा करने के लिए अपना सहेलियों के साथ में, शिशुपाल को पता चला रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती थी, उसका भैया जोर जबरदस्ती मेरे से शादी करा रहा है, लेकिन कृष्ण को मार मार कर भगा दिए। और कृष्ण रुक्मिणी द्वारका में गए और जा करके भगवान की बड़े धूमधाम से भगवान की शादी हुई है। माला पहना अब लोग ताली बजा। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा, मेहंदी लगा दो मुझे कैसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, I'm not afraid of the dark.
भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये जो भागवत कथा है इसका भी जो सार रूप में महाराज जी ने अभी बताया कि वो है श्री हरि नाम। इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र में बताया, वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आधा वंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, वेदों का भी सार क्या है? भगवान का नाम। रामायण का भी सार क्या है? भगवान का नाम। समय कम है नहीं तो मैं फिर एक एक करके बताता भी कि इसके क्या प्रमाण है कि वेदों का सार कैसे भगवान का नाम है, रामायण का भी सार कैसे भगवान का नाम है। पुराण, सारे पुराण 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, उसमें भी जो श्रीमद् भागवत है
वो सर्वोत्तम महापुराण है। तो वो श्रीमद् भागवत का भी जो महापुराण है उसका भी सार क्या है, श्री हरि नाम। भारत अर्थात श्री महाभारत उसका भी सार क्या है, श्री हरि नाम है। आधा बनते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, आधा यानी कि प्रारंभ में मध्य में और अंत में सब जगह भगवान की नाम की ही महिमा दी गई है। क्यों? क्योंकि बताया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम। नाम चिंतामणि, जो नाम है भगवान का वो चिंतामणि है। देखो इससे जिसको जो चाहिए उसको वो फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का नाम करते हैं सांसारिक इच्छा को लेकर के उनकी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति मिल जाती है और जिनको भक्ति चाहिए उनको भक्ति भी मिल जाती है। जैसा कि हम लोगों ने सब अजामिल प्रसंग में सुना था कि जो अजामिल था उसको तो नाम की इस प्रकार से महिमा भी पता नहीं थी। म्रियमाणो गृणन हरे नाम पुत्रोपचारितम अजामिलो अभ्यगाधम किम पुनः श्रद्धा गृणन। म्रियमाणो मरने के मरणासन्न था अजामिल, यमदूत उसको आ गए थे खींचने के लिए, उसके गले में फंदा डाल करके खींच रहे थे। इतनी देर में उसके मुख से भय के कारण भगवान का नाम निकल गया और वो भय के कारण जो भगवान का नाम निकला वो अपने पुत्र को पुकारा था, उसने भगवान का नाम नहीं पुकारा था, उसी से उसकी यमदूतों के भय से रक्षा हो गई, विष्णु दूतों ने उसकी रक्षा करी। और फिर जब विष्णु दूत लौट करके विष्णु दूतों के द्वारा जब यमदूतों को भगा दिया गया, उनके बीच में बहुत सारा संवाद हुआ, तो यमदूत जा करके यमराज जी के पास में पहुँचे और यमराज जी से जा करके पूछते हैं, देखो नाम की महिमा अच्छे से सुनो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही सबका सार है। तो यहाँ पर यमराज जी से जा करके यमदूत पूछते हैं कि महाराज एक बात बताइए कि आप भगवान हैं कि और भी बहुत सारे भगवान हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा भगवान हो गए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, ये सृष्टि चलेगी कैसे। एक भगवान ने बोला जाओ इसको मार करके ले आओ, दूसरा भगवान कहेगा नहीं नहीं इसको जी भी छोड़ दो, तो कौन किसकी बात मानेगा, तो सारी सृष्टि में बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो यमराज जी ने कहा अरे आज तुम लोगों ने बड़ा भयंकर अपराध किया है, तुमने भगवान के भक्तों के साथ में जो बहस इत्यादि की उससे वो अपराध हुआ है और वो अपराध मेरा अपराध है, क्योंकि जो सेवक अपराध करते हैं वो स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं भगवान के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। तब श्री यमराज जी स्वयं भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि तान अनैध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्या। क्या बता रहे हैं कि देखो मेरे पास किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, ये बात अच्छे से समझ लो, आगे से गलती मत करना। जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीवा पर भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि का कीर्तन नहीं होता है उसको मेरे पास पकड़ करके लाना। चेतश्चन स्मरति, जो भगवान का जो जिसका हृदय कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करता है उसको मेरे पास लेकर के आना। कृष्णाय नो नमति, जो भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं करता है उसको मेरे पास लेकर के आना, उस दुष्ट को पापी को मेरे पास खींच करके लेकर के आना, लेकिन जो ऐसा करता है उसको गलती से भी लेकर के नहीं आना। और इसका प्रमाण बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शास्त्र में बहुत सारी बातें जो लिखी हैं वो सब काल्पनिक बातें, ये सब बातें काल्पनिक नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व ही महाराज जी एक नोएडा में एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर हवन किया, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति के ऊपर में भूत आ गया। वो भूत आकर के खुद बोलता है कि महाराज जी आप मुझे नाम सुना दो तो मैं नरक जाने से बच जाऊँगा, नहीं मुझे नरक जाना पड़ेगा। देखो हम लोग इंसान भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भूत भी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे नाम सुना दो तो मैं नरक जाने से बच जाऊंगा। उनको भी यमराज का भय है, नरक का भय है, लेकिन हमको कोई भय नहीं, हम ऐसे ही घूम रहे हैं बिल्कुल, हमको कोई नाम करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करते रहो। तो ये साक्षात रूप में प्रमाण है कितना भगवान के नाम की तो महिमा, तो बात ही छोड़ो भगवान के जो भक्त हैं उनके नाम की भी कितनी महिमा है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके एक शिष्य थे, एक बार एक व्यक्ति को किसी भूत ने पकड़ लिया और उन्होंने बस डंडा लेकर के उसके सामने बस प्रभुपाद 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 बोल करके उसको भूत को पिटाई करना शुरू किया, वो भूत भाग गया।
भगवान के नाम की छोड़ो, भगवान के भक्तों के नाम की भी इतनी महिमा है, लेकिन हम लोगों को भगवान के नाम की महिमा में श्रद्धा ही नहीं है। सोचते हैं ये सब बातें काल्पनिक है। अब सबके सामने तो भगवान ऐसी लीला नहीं करेंगे ना, तो जिनके सामने ये सब लीलाएं हुई हैं, जिनके सामने ये घटनाएं हुई हैं, उनकी बात पर ही तो विश्वास करना पड़ेगा। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, E=MC² पढ़ा, क्या सबने यहाँ पर जा करके देखा उसको? E=MC² होता है, किसने देखा बताओ? लेकिन किसी ने, एक ने एक्सपेरिमेंट किया, दो चार लोगों ने और कर लिया उसको देख करके, और उसमें बुक में छपा दिया, प्रमाणित हो गया, तो सारी दुनिया मानती E=MC², देखा किसी ने भी नहीं। सैटेलाइट यहाँ से जा रहे हैं, पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, सब लोग मानते हैं हाँ ये सब हो रहा है। कभी किसी ने देखा? आपने किसी ने देखा सैटेलाइट घूम रहा है? लेकिन सभी मानते हैं। लेकिन भगवान की जो भगवान का नाम है उसकी शास्त्र में इतनी महिमा है, और जो हमारे गुरुवर्ग हैं और जो हमारे महाराज लोग हैं, हमारे वैष्णव लोग, वो नाम की महिमा को, उसको अनुभव करते हैं, वो बताते हैं, तो किसी को विश्वास नहीं होता। हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, वो क्या करते थे बैठ करके? केवल हरि नाम करते थे। और उस हरि नाम का क्या फल था? उस हरि नाम के फल से ही उन्होंने एक वैश्या का उद्धार कर दिया, और वो वैश्या को भी परम महंती, परम ऐसी वैष्णवी बना दिया कि बड़े बड़े साधु वैष्णव लोग भी उनके दर्शन करने के लिए जाते। जो जगाई मदाई थे, उन्होंने दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं जो किया नहीं हो, सारे पाप किए थे उन्होंने, इतने पाप किए थे कि चित्रगुप्त उनके लिखते लिखते अकाउंट थक गए थे। लेकिन उन्होंने भी जब बाद में हरि नाम किया, और हरि नाम के प्रभाव से वो कैसे बड़े साधु बन गए कि हम जितने भी वैष्णव लोग हैं वो उनकी समाधि में जा करके प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके, उनका कृपा आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करो जिससे हमको महाप्रभु के चरणों की थोड़ी भक्ति प्राप्त हो जाए। किसका प्रभाव है? ये नाम का। उस नाम के प्रभाव से स्वयं माया देवी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आई। देखो तपस्या में, ज्ञान योग में कितना अंतर है, इस बात को अच्छे से समझना। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या की थी, सभी जानते। लेकिन जब मेनका आई, मेनका कोई बहुत बड़ी अप्सरा नहीं है, उससे भी बड़ी बड़ी श्रेष्ठ अप्सरा है उर्वशी इत्यादि, वो उससे भी श्रेष्ठ है, और ब्रह्मा जी के लोक में और उससे भी श्रेष्ठ अप्सराएं रहती। वो मेनका ने आकर के थोड़ा पायल की झनकार बजाई और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। उनने विवाह कर लिया उसके साथ में, संतान भी उत्पन्न हो गई, तपस्या वपस्या सब भूल गए। सौवरी ऋषि थे, उन्होंने 10,000 साल तक पानी के नीचे तपस्या की, और एक बस मछली मत्स्य की क्रीड़ा देख करके, मेल और फीमेल मत्स्य की क्रीड़ा देख करके, काम क्रीड़ा उनके हृदय में काम जागृत हो गया, 50 विवाह कर लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर केवल नाम प्रभु का आश्रय लिया उन्होंने, उन्होंने केवल नाम प्रभु का आश्रय लिया और कुछ नहीं किया। और साक्षात इनकी जो स्वामिनी है, एक ब्रह्मांड की नहीं, ये तो एक ब्रह्मांड में मेनका अप्सरा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कितनी कितनी अप्सराएं, उन सबकी स्वामिनी है माया देवी। वो माया देवी का सौंदर्य कैसा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो साक्षात आ गई हरिदास ठाकुर जी के पास में, और 3 दिन तक बैठी रही, और हरिदास ठाकुर ने कहा बैठो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, नाम बैठ करके सुनो, मेरी नाम संख्या पूरी होने वाली। 3 दिन तक नाम सुनने के पश्चात में माया देवी स्वयं हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके बोली कि शिव जी से मुझे राम मंत्र प्राप्त हुआ था, किंतु आज आपके नाम निष्ठा को देख करके मेरे हृदय में कृष्ण मंत्र के प्रति लोभ जागृत हो गया, इसलिए आप मुझे कृष्ण मंत्र प्रदान करो। तब श्री हरिदास ठाकुर जी ने उनको कृष्ण मंत्र प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यंति मार्गा तय बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया विनायक अनेक मूर्धसु प्रभु, कि जो जगत में कोई भी है, यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी तक भी, वो भी निर्भय नहीं है, शिव जी भी निर्भय नहीं है। कैसे? सब लोग जानते भस्मासुर की कथा, सब लोग जानते कि भस्मासुर ने उनको ही दौड़ा लिया, तो शिव जी भी निर्भय नहीं, भागते भागते भगवान की शरण में ही पहुंचे थे। ब्रह्मा जी को तो कितनी बार भगवान की शरण में जाना पड़ता है, सारे शास्त्र पुराण सब इसका प्रमाण है। लेकिन यहाँ पर कह रहे तथा नते माधव तावका, जो भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, विचरंत निर्भया, वो निर्भय होकर के विचरण करते हैं। क्यों? त्वया विगुप्ता, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। नाम और नामी अभिन्न है। द्रौपदी जब राज्यसभा में थी, वहां पर किसने रक्षा की? वहां पर कृष्ण नहीं थे, लेकिन कृष्ण का नाम था, तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, इसलिए जैसे ही उन्होंने गोविंद पुकारा, और साथ के साथ में कृष्ण ने जो वस्त्र अवतार धारण कर लिया, और वहां पर साक्षात रूप में देखो कौन विराजमान नहीं था, भीष्म पितामह विराजमान थे,
वो अष्टवसु में से एक हैं। इतनी शक्ति थी उनके पास में कि उन्होंने परशुराम को भी हरा दिया। वहाँ पर पांडव विराजमान थे जो सब देवताओं के अंश हैं, और उनके पास में इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं, किंतु कोई भी रक्षा नहीं कर पाया। द्रौपदी की रक्षा केवल मात्र नाम ने की। तो यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देते हैं, क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो सभी तो जानते ही हैं, कि फिर कौन सा नाम लेना चाहिए। बहुत से लोग ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, कुछ राम राम कहते हैं, कुछ नाम लेते हैं। सभी नाम हैं, सभी का फल है निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, किंतु नाम का भी तारतम्य होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात शास्त्र में लिखी गई है। स्वयं शिव जी कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम नाम वितुल्यम राम नाम वरानन। जो विष्णु का 1000 बार नाम लेते हैं, विष्णु सहस्र नाम, बहुत से लोग विष्णु सहस्र नाम पाठ करते हैं। अरे शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि विष्णु का एक हजार बार नाम पाठ किया, एक बार राम ले लो तो बराबरी हो गया। तो फिर 1000 बार इतना पाठ करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो भाई, जब तुमको एक सरल सा उपाय दूसरा बताया राम नाम। फिर ब्रह्मांड पुराण में बताया, सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरावत्या तो यत्फलम एकावृत्या तो कृष्ण से नाम एकम तय पृच्छति, कि कोई 3000 बार जो विष्णु का नाम लेता है वो एक कृष्ण नाम के बराबर। तो इसलिए 1000 विष्णु का नाम बराबर एक नाम नाम, 3 राम नाम बराबर एक कृष्ण नाम हो गया, तो कृष्ण का नाम श्रेष्ठ हुआ, फिर कृष्ण का नाम लेना चाहिए। लेकिन कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्रम दीपिका में चंद्रदेव से कह रहे हैं भगवान, मम नाम शतेनैव राधा नाम सदुत्तमम यह स्मरित तो सदा राधा न जाने तस किम फलम, कि मेरा कोई नाम 100 बार लेता है वो राधा जी के एक नाम के बराबर है, और जो सब समय राधा जी का ही नाम लेता है उसका क्या फल है वो मैं भी नहीं जानता। रानी की जोर से बोलो, एक बार राधा नाम लो तो 100 कृष्ण नाम लेने का फल मिलता है, जोर से बोलो। इसी कारण से देखो ब्रजवासी लोग बहुत चतुर हैं, कभी कृष्ण का नाम लेते हुए देखा, यहाँ पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता है, यहाँ पर सब क्या बोलते हैं, राधे राधे, क्योंकि ये लोग सार रूप, इन लोगों ने देखो आश्चर्य की बात तो ये कितने सुकृतिवान हैं, रिया के रिक्शे वाले भी, इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा। हमने बताया पद्म पुराण में राम रामिति श्लोक है, उन्होंने पढ़ा क्या? हमने बताया ब्रह्मांड पुराण में ये श्लोक है, जानते हैं वो? कुछ नहीं जानते, लेकिन सुकृति इतनी अधिक है और राधा जी की कृपा है कि यहाँ पर चलते फिरते में राधे राधे। तो सबका जो सार है वो राधा जी का नाम है, किंतु फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करते हैं? इसका विशेष कारण, कारण यह है कि राधा जी को कृष्ण का नाम प्रिय है, हम राधा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको कृष्ण का नाम प्रिय है, और कृष्ण को राधा जी का नाम प्रिय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए महामंत्र को प्रकाशित किया, ये कलि संतरण उपनिषद में है, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर हरे का मतलब है श्रीमती राधा रानी, जो हरि के चित्त को हरण करने वाली, इसलिए उनका नाम हरा है, और उसी को संबोधन वाचक जब हे राधे ऐसे करके जब बोलते हैं तो उसको हरे हो जाता है संबोधन वाचक में, इसलिए हरे है। कृष्ण तो कृष्ण ही है, फिर बहुत से लोग उल्टी पुल्टी व्याख्या करते, इसलिए सावधान रहना। गीता प्रेस की किताबों में आप पढ़ोगे, देखो बहुत सभी लोग भारतवर्ष में गीता प्रेस की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जा करके पढ़ोगे तो वहाँ पर हरे राम पहले दिया, और वो कारण क्या बताते हैं, कारण बताते हैं कि राम जी का अवतार पहले हुआ इसलिए। अरे भाई जब हरे का मतलब राधा जी है तो राधा जी के साथ राम कैसे आ जाएंगे? ऐसा कोई खिचड़ी मंत्र नहीं होता है कि एक ही मंत्र में राम सीता लक्ष्मण और सब कुछ एक साथ, ऐसा नहीं होता है। मंत्र का एक उपास्य देवता होता है, इतना तो सभी लोग जानते ही हैं, एक मंत्र का एक उपास्य देवता होता है। तो राधा जी के साथ में सब समय कृष्ण हैं, तो वो राम जो है उसका मतलब है श्री राधाया रमय नित्यम राम इति अभिधीयते, अर्थात जो राधा जी के साथ में सब समय रमण करते हैं वो राधिका रमण राम है। इसलिए ये जो महामंत्र है कलयुग का, इसी के द्वारा एकमात्र हमारा उद्धार होगा और इसी के द्वारा हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसी के साथ में वाणी की और एक प्रभु जी को थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, इसके बाद में भागवत आरती होगी, आरती का थाला लिया जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वदा मुनि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हो विष्णुपादष्टो दशश्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। व्यास आसीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थ समस्त दंडीपाद गण वैष्णव वैष्णवियों हरिकथा पिपासी सभी भक्त वृंदों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। महाराज जी की आज्ञा हुई है कुछ बोलने के लिए और 7 दिन से हम इस श्रीमद् भगवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न, कई बार महाराज जी के ही प्रेरणा से हमने हर जगह किया कि अगर हम किसी हींग की फैक्ट्री, हींग बनती है ना, हींग एक बार हाथ में रगड़ लो तो क्या हालत होती है, हाथ की क्या होता है, हाथ में खुशबू आती है, किसी को खुशबू लगती है, किसी को बदबू लगती है। अगर हम उस हींग की फैक्ट्री में चले जाएं, थोड़ी देर बैठ के आएं और जब बाहर आएं तो किस चीज की खुशबू या बदबू आएगी, और हम यहां पे कितने कितने घंटे और 7 दिन बैठे हैं, किसमें, श्रीमद् भागवत कथा में, और हम महाराज श्री से भी और पूर्व वक्ताओं से भी हमने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत कथा का सार क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो जब हम यहां से बाहर जाएंगे तो क्या खुशबू आनी चाहिए, हरिनाम के, क्या आना चाहिए, हम किस चीज में डूब चुके होने चाहिए, इस हरिनाम की महिमा में, इस हरिनाम में ही। हमसे कोई बाहर जाके पूछे अरे भाई तुम 7 दिन से कहां बैठे थे, तो मुंह से क्या निकलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो पूछेगा अरे भाई कहां गए थे, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो जाना चाहिए, कि वही खुशबू, ये जो सार है हरिनाम, यही निकलना चाहिए। इस हरिनाम की महिमा ही मुख से निकलनी चाहिए, कुछ और नहीं निकलना चाहिए। देखो वैष्णव कैसे होते हैं, वैष्णव परिवार कैसा होता है, एक उदाहरण लेते हैं। नाम हरि नाम का ही प्रभाव है उस वैष्णव परिवार में, देखो वो वैष्णव परिवार कैसा है, शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय। शिव जी का वाहन बताएंगे, नंदी त्रिशूल नहीं नंदी है ना, क्या है, बैल। और माता का वाहन क्या है, शेर। अरे शेर का आहार है नंदी, शेर का आहार है नंदी। चलो जरा नीचे आते हैं, गणेश जी, गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा। और कार्तिकेय, मोर, ठीक है। अब शिव जी के गले में क्या है, अब इस सांप का आहार क्या है और इस मोर का आहार क्या है, बताओ। एक घर और सामने साथ ही साथ सब क्या रह रहे हैं, एक दूसरे का आहार रह रहे हैं, क्या हालत होनी चाहिए उस घर में, क्या होनी चाहिए, चूहा यहां भाग रहा है उसके पीछे, सांप भाग रहा है उसके पीछे, मोर भाग रहा है, हाँ उधर बैल भाग रहा है उसके पीछे, शेर भाग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, कैसे रह रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े ही आनंद से। शब्द क्या प्रयोग किया, आनंद, शांति। इसी के लिए तो भटक रहे हैं भाई, यहां तो मैक्सिमम सारे ब्रह्मचारी ही बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इस किले में बैठे हैं जिसमें माया का प्रवेश वर्जित है। माया गेट पे देखती है, ओ श्री राधा विनोद गौड़िया मठ, भैया यहां मेरी नहीं चलेगी, बाहर सही वापस। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ, ना यहाँ पे भी नहीं घुस सकती, बाहर सही वापस। पर वहां जब दिल्ली आती है ना, आय हाय ये घर मेरा है, घुस गई, हर घर में है नहीं है, अरे मथुरा भी नहीं छूटा,
घरों में है या नहीं है? हाँ है, है ना। तो कैसे बचे इस माया से, कैसे बचे उस अशांति से, और वो आनंद जो सुबह सुबह एक ग्रस्त व्यक्ति उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, रात को थक के आता है, पूरा दिन बॉस की गालियां, शाम को आता है और बीवी और माँ की, बचे कुछ बच्चे भी खींच लेते हैं। वो बेचारा सोचता है कि मैं किस लिए निकल रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, कुछ आनंद मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए। तो प्रेरणा या जो हम उदाहरण देखेंगे, हम इस वैष्णव परिवार में देखेंगे। क्यों गुरुवर्ग, क्यों वैष्णव जन हमें बार बार कहते हैं कि क्या बनो, क्या करो, इस नाम आश्रय लो, इस नाम का सहारा ले लो। शिव पंचमुखे शिव जपे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, यही महामंत्र कौन है? ये शिव जी जप रहे हैं, यही महामंत्र, वही दुर्गा देवी तो है। ये 10 हाथ, 9 हाथ में क्या है? अस्त्र, और 10वें में क्या है? माला, हरि नाम की माला। वो कह रही है, मानो देवी कह रही है, या तो ये माला ले ले या फिर कोई सा भी अस्त्र चूज कर ले। हाँ, कोई सा भी अस्त्र ले ले, या तो मैं उससे तेरे को ठीक करूंगी, या तू वाकई में समझदार है तो इस माला को ले ले, हरि नाम की माला को। वो गणेश जी भी क्या कर रहे हैं? प्रथमम, जो प्रथम पूज्य बने, क्यों बने? उस नाम ही से तो, पत्ते पे नाम ही लिखा भगवान का, गुरु चरणों में, गुरु के हाथों में दिया। गुरु कौन? माता पिता, शिव पार्वती, उनके हाथों में दिया, उन्हीं के तो 4 परिक्रमा करी, तभी तो सबसे प्रथम पूज्य बने। और वो कार्तिकेय जी भी क्या कर रहे हैं? उन्हें भी हरि नाम की ही महिमा किसने, उनके पिता ने स्वयं सुखाई, और उस हरि नाम के बल पे ही उन्होंने कितने कितने युद्ध लड़े और जीते। और देखो, उनके वाहन आपस में नहीं लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेम आ गया। तो यही हमें समझना है कि ये संसार कष्टमय है, दुखमय है, आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं, शांति नाम की कोई वस्तु नहीं, परंतु जैसे ही हम इस हरि नाम की शरण लेते हैं, तो देखो हमारा परिवार कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? शिव पार्वती जैसा। विरोधी तत्व इकट्ठे रहते हुए भी सब बड़े आनंद और बड़े शांति से रह रहे हैं। तो किसी प्रकार से इस हरि नाम में हमारी रति मति हो जाए। परंतु एक चीज और है, एक चीज और है, दवाई की दुकान पे जाते हैं, जैसे अभी जो बीमारियां फैली हुई हैं, और हम अपने आप जाएं, भाई सबसे महंगी वाली दवाई देना, अब हमें पता तो चल गया सबसे टॉप मोस्ट हरि नाम है, भाई ले लो। टॉप मोस्ट क्या है? सबसे ऊपर वाला मंत्र कौन सा? हरि नाम। ऐसे ही हम दुकान में गए, ओ भाई जो सबसे महंगी वाली दवाई है निकाल दे, क्यों? मैं बीमार हूं, ले ये 7000 की बोतल है। पता चला वो 7000 की बोतल पी और 7 मिनट में ही हरी बोल हो गए। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, क्या विधि है, क्या निषेध है, ये हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही मान लो हमारे जो भैया हैं, मैं इनके घर गया, घर देखा बड़ा आलिशान घर, बहुत बड़ा, यमुना जी के किनारे पे बड़ा सुंदर घर है, मेरा मन आ गया उस घर पे, ठीक है, मैंने उस घर के कागज निकलवाए, अपने नाम पे नए कागज बनवाए, गया पटवारी के पास, पटवारी के साइन करवा लिए, हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के भी साइन होते हैं ना रजिस्ट्री पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साइन कर दिए, और ये दोनों तीनों भाइयों ने विटनेस पे साइन कर दिए, सब साइन कर दिए, मैंने भी अपना अंगूठा साइन कर दिए, क्या इनका घर मेरा हुआ? क्यों नहीं हुआ? भाई पटवारी ने साइन किए, डीएम ने साइन किए, विटनेसों ने साइन कर दिए, मैंने साइन कर दिए, अभी भी वो घर मेरा क्यों नहीं हुआ? मालिक ने साइन नहीं करे, भाई इन्होंने साइन नहीं किए तो उससे हो जाएगा? ऐसे ही गोले कर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। आज नरोत्तम दास, मुझे ये भी कंफ्यूजन है कि आज ही नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव है या 28 को है, 28 को ही है, परंतु उन नरोत्तम दास ठाकुर ने ही कहा, विफले जन्म गवाइनु, उस कीर्तन में बता रहे हैं, ये जो हरि नाम है ये गोलोक का प्रेम धन है, ये वहां का महाधन है। जैसे इस मटीरियल संसार का एक धन, वो प्रॉपर्टी बिना इनके साइन किए मेरी हो नहीं सकती, ऐसे ये गोलोक का प्रेम धन मैं ऐसे ही ले लूंगा, ऐसे ही मिल जाएगा,
मिल जाएगा क्या ऐसे ही? तो जिनके हृदय का ये धन हो गया है भाई, जिनके हृदय का ये धन हो गया, जिन्होंने उस धन को प्राप्त कर लिया है, जब तक उनके साइन नहीं होंगे ना तब तक ये मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जो महाराज जी, जो वैष्णव गण और जो वैष्णवों से पूर्व वक्ताओं से भी हमने जो सुना, क्या सदगुरु आश्रय है, ये सदगुरु आश्रय ही है। क्या साइन कर देना, इन पे साइन कर दिया, ये अब हमारा है, तो वो धन इनको प्राप्त होगा। तो हम क्या क्या करें, वो प्रेम धन अगर हमें चाहिए, वो सुख शांति, वो परम आनंद अगर मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस सद संप्रदाय में सदगुरु से मुझे वह हरिनाम लेना ही पड़ेगा, वह मंत्र दीक्षा ही लेना पड़ेगी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अरे बार पालो मिलने सुना
Yeah.
पाती पाती पाती।